Hello students. Good morning to all of you. Good morning everyone. Good morning Nirman Vihar. Good morning Palanpur and all other centers. Aapka swagat hai CA IPCC ki classes mein. CA IPCC audit. Ye aap mere sath padhenge. Aur jaisa ki aap sab log jante hain audit ka subject ek bahut important subject hai. जो हमारे CA IPCC ग्रुप 2 के अंदर है CA फाइनल के अंदर जाने के लिए आपको इस सब्जेक्ट को क्रैक करना होगा तो आइए जरा शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग निर्माण विहार वंस अगेन चलिए सबसे पहले मैं आपको IPCC ऑडिट का कुछ परिचय कराऊंगा और उसके बाद उन्हीं स्टेप को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगे आइए हमारा CA IPCC के अंदर यह सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के अंदर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बेटे ये जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर आपका ग्रुप 2 में कवर होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है बेटे ये अगर एग्जाम आपने क्रैक कर दिया तो समझ लो बात बन गई क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा ऑडिट में फेल होता है इसलिए नहीं कि ऑडिट मुश्किल है इसलिए कि उसको ऑडिट की प्रॉपर जानकारी नहीं होती ढंग से पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा तो ऑडिट के बारे में पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगा यानी कि इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा फिर मैं चैप्टर पे चलते हुए वन बाय वन आपको सारी चीजें बताने वाला हूं तो बेटा ऑडिट के पेपर हम दो पार्ट में पढ़ेंगे कितने पार्ट में बोलो दो पार्ट में पार्ट ए और पार्ट बी ऑडिट का पेपर बेटे दो पार्ट में पढ़ना है कितने पार्ट में दो पार्ट में पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए के अंदर हम ऑडिट के चैप्टर्स पढ़ेंगे ऑडिट में कौन कौन से चैप्टर हैं उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा और पार्ट बी के अंदर हम पढ़ेंगे एसे बोलो कैसे एसे एसे मतलब क्या एसेस का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑडिट करने के तरीके जैसे अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं वैसे ही ऑडिट करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे तो बेटे मैं आपको बताऊंगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से है और उसमें क्या क्या कवर है चलिए तो बेटा अब हम ऑडिट के अंदर आगे बढ़ेंगे बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है देखिए इसमें कुछ चैप्टर्स हैं आप नोट करते रहिएगा सब लोग साथ साथ नोट करते रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हमने स्टडी करना है देखिए सबसे पहले ऑडिटिंग में आएगा पहला चैप्टर ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन अगला आता है बेसिक कंसेप्ट इन ऑडिटिंग बेटे ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा जान भी लेते हैं इनके बारे में ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑडिट क्या होता है ऑडिट क्या होता है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट के एडवांटेज क्या है ऑडिट की लिमिटेशंस क्या है टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर और उसकी क्वालिटी ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में अंतर और इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट में अंतर ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे यहां पर सॉल्व होंगे चैप्टर वन में उसके बाद हम चैप्टर टू में चलेंगे चैप्टर टू है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिटिंग ये जो बेसिक कंसेप्ट इन ऑडिटिंग का चैप्टर है बेटे ये वाला भाग जरा ध्यान से देखो इसमें ये जो बेसिक कंसेप्ट है इनके अंदर हमने पढ़ना है ऑडिटर इंडिपेंडेंस इसके अलावा मैटेरियलिटी इसके अलावा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फ्रॉड एंड एरर और इसी प्रकार के अन्य कंसेप्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा तो बेटा यहां पर भी अलग अलग कंसेप्ट आने हैं फिर आएगा आपका प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट तीसरा चैप्टर है बेटे ये प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट ऑडिट की तैयारी कैसे करें हां ऑडिट करने जाना है अगर हमें क्लाइंट के यहां पे ऑडिट करने जाना है तो क्या क्या लेके जाना है क्या क्या पढ़ के जाना है वहां जाके क्या क्या करना है क्या तैयारियां चाहिए ऑडिट करने के लिए प्रैक्टिकली ऑडिट करने के लिए इसके बाद इंटरनल कंट्रोल चैप्टर नंबर 4 इंटरनल कंट्रोल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे
इंटरनल कंट्रोल करने का मकसद क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इंटरनल ऑडिटर कौन होता है और बहुत अलग अलग तरह की जानकारियां इसमें हम शेयर करेंगे रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम आगे बढ़ेंगे वाउचिंग वेरिफिकेशन। वाउचिंग और वेरिफिकेशन के चैप्टर में जाके वाउचिंग और वेरिफिकेशन के चैप्टर में जाके हम अलग अलग ट्रांजैक्शन, असेट्स, लायबिलिटीज, खर्चे, इनकम इन सब के ऑडिट करने सीखेंगे। खर्चों का ऑडिट, इनकम का ऑडिट, असेट का ऑडिट, लायबिलिटी का ऑडिट, उनकी चर्चा करेंगे इनमें जाके। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आएगा आपका कंपनी ऑडिट। बेटे कंपनी ऑडिट को दो भाग में पढ़ेंगे, एक आएगा कंपनी ऑडिट वन और एक आएगा कंपनी ऑडिट टू। कंपनी ऑडिट वन और कंपनी ऑडिट टू बेटे ये दोनों अलग अलग ऑडिट है। कंपनी ऑडिट वन में हम ऑडिटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी ऑडिट कौन कर सकता है, कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी ऑडिटर की पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे बेटे। उसके बाद आखिरी पॉइंट स्पेशल ऑडिट। बेटे ये जो स्पेशल ऑडिट है इसके अंदर हम अलग अलग तरह की संस्थाओं के ऑडिट जानेंगे। क्लब का ऑडिट कैसे करना है, स्कूल का ऑडिट कैसे करना है, कॉलेज का ऑडिट कैसे करना है, हायर परचेज कंपनी का ऑडिट कैसे करना है, लीजिंग कंपनी का ऑडिट कैसे करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम में ऑडिट कैसे करना है। उसके बाद इसी के साथ और भी पढ़ेंगे गवर्नमेंट के ऑडिट कैसे करने हैं, गवर्नमेंट ऑडिट कैसे करने हैं, ऑडिटिंग अंडर सीआईएस एनवायरमेंट कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में ऑडिट कैसे करने हैं, ऑडिटिंग अंडर सीआईएस एनवायरमेंट। बेटे कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में ऑडिट कैसे करने हैं, ये नाना प्रकार के ऑडिट की चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो बेटे अलग अलग तरह के ऑडिट कैसे करने हैं ये हम सीखेंगे। सुन रहे हो ना निर्माण व्यार, सभी लोग ध्यान से सुनो, पालनपुर वाले भी सुनो, जमशेदपुर वाले भी सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुने। क्या ये अलग अलग चैप्टर में बहुत ही डिटेल जानकारी हमने लेनी है? तो सर ये कुल मिला के 9 चैप्टर हो गए। अब ये 9 चैप्टर के अंदर हमारा वेटेज कितना है, मैं कहता हूं एवरेज 10 मार्क्स पर चैप्टर, 10 नंबर का एक चैप्टर है। तो बताओ 9 चैप्टर कितने नंबर के, एक चैप्टर 10 नंबर का, 9 चैप्टर मिला के हो गए 90 नंबर। अरे सर ये तो काम ही खत्म हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यहां पे काम खत्म हो गया, 9 चैप्टर करने पे 90 नंबर पक्के हो गए। अब तो सर फिर इसे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपने एक एक चैप्टर करना है 10-10 नंबर लेते जाने हैं। वो कहते हैं ना एक एक चैप्टर करते जाओ 10-10 नंबर लेते जाओ, यानी कि 9 चैप्टर करने पे 90 नंबर तो पक्के। लेकिन सर यहां भी तो है, आइए जरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की जानकारी अब आपसे शेयर करें। तो सर इसका क्या रोल है, फिर तो हम ये पढ़ेंगे ही नहीं। ना बेटे ना, इसे पढ़े बगैर तो काम चलना ही नहीं है, इसे पढ़ के ही तो असली जानकारी मिलनी है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो 30-40 नंबर कवर करेंगे एग्जाम में। सर क्या बात कर रहे हो, 100 नंबर का पेपर और 120 का कवरेज। हाँ बेटे ऐसा ही होता है, आप जरा सुनिएगा, 120 से 130 नंबर का पेपर आता है जिनमें से आपको 100 नंबर का करना है, 120 से 130 नंबर का पेपर आएगा जिसमें से 100 मार्क्स का करना है। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, अरे यही तो आपको ऑडिट करना सिखाएंगे, तो ये तो बड़े महत्वपूर्ण है बेटे। बिना इसके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो अधूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। तो इनकी भी डिटेल जानकारी हम शेयर करेंगे। तो बेटे ये आपका कोर्स आपके सामने है कि किस किस पैटर्न में हमें पढ़ना है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 100 मार्क्स का पेपर, 9 चैप्टर 90 नंबर, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 30 से 40 नंबर, कुल मिला के कितना हो गया, बोलो बोलो, कुल मिला के 120 से 130 नंबर जिसमें से 100 नंबर का करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हां जी बताइए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ सकता हूं, जवाब दीजिए निर्माण व्यार वालों, जवाब दीजिए पालनपुर। हां जी चल सकते हैं हम लोग आगे, चलिए। तो ये ऑडिटिंग का जो पार्ट है 100 मार्क्स का कवरेज, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आगे बढ़ते हुए।
चलिए हाँ तो सर अब हम पहले 10 नंबर की तैयारी शुरू करें, बाकी सब भूल जाओ, पहले 10 नंबर की तैयारी शुरू करें। अच्छा इसमें हम तीन पोर्शन में स्टडी करेंगे, ये भी ध्यान रखें। पहले हम चार चैप्टर को टारगेट करेंगे, चार चैप्टर करने के बाद 40 मार्क्स लगभग हमारे कवर होते हैं। फिर हम कंपनी ऑडिट और वाउचिंग वेरिफिकेशन और स्पेशल ऑडिट उनको टारगेट करेंगे, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। तीन पार्ट में हमारी क्लास को बांटा गया, पहले चार चैप्टर, वो चार चैप्टर सॉलिड करते ही चलो भैया पास तो हो गए, 40 नंबर तो पक्के हो गए। उसके बाद कंपनी ऑडिट वाला पार्ट आएगा 1 एंड 2, उसके बाद स्पेशल ऑडिट और वाउचिंग वेरिफिकेशन, ये सारे एक पार्ट में कवर कर दिए, और तीसरा पार्ट आएगा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। तो तीन पार्ट में हम ऑडिट को अलग अलग करके स्टडी करेंगे, जैसे दो पार्ट में हमने बांटा है तो बुक को हमने दो पार्ट में फर्दर बांट दिया और बाकी स्टैंडर्ड तीसरा पार्ट हो गया, डन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। सो आर यू रेडी एवरीवन? चलिए तो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको याद करते हुए चलना है, समझना है, याद करना है और घर जाके लिख के भी देखना है। लर्न राइट एंड रिवाइज, बट बिफोर यू लर्न राइट एंड रिवाइज यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लास। आइए तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 1 ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन, एक परिचय। आइए ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बच्चे ने कहा, मदान सर ऑडिट तो बाद में करेंगे, पहले आप हमें यह बताओ कि ऑडिट किया किस चीज का जाता है। तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको इसके कंटेंट बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, पहले हम वो जानेंगे फिर हम एक एक करके उन कंटेंट पे चलेंगे। सबसे पहले आइए जरा ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन, ये 10 नंबर का लगभग कवरेज रहेगा इसमें से, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। हां जी कंटेंट्स, ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन कंटेंट्स नंबर 1, ऑडिट किस चीज का करना है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला कंटेंट आता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट किस चीज का करना है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 2, ऑडिट की जरूरत क्या है सर, नीड ऑफ ऑडिटिंग, नीड ऑफ ऑडिटिंग। बच्चे ने कहा सर ऑडिट करना किस चीज का है, मैंने कहा बेटे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता सर ऑडिट की जरूरत क्या, मैंने कहा बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन बच्चा क्या पूछता है, कहता सर ऑडिट होता क्या, मैंने कहा चलो फिर व्हाट इज ऑडिट पे चलेंगे। इसके बाद सर आगे आगे बढ़ते जाएंगे वन बाय वन, फिर अगला पॉइंट आएगा ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, ऑडिट कराने के फायदे क्या है, ऑडिट कराने के फायदे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट एडवांटेज क्या है उसके। फिर कमियां क्या है, स्वाभाविक कमियां क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ बोलो ऑडिट, ऑडिट की स्वाभाविक कमियां। इसके बाद फिर बच्चे ने कहा सर यह भी बता दो कि ऑडिटर कौन होता है, मैंने कहा बताऊंगा बेटे जरूर बताऊंगा, ऑडिटर का मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा और उसकी क्वालिटीज भी बताऊंगा, मीनिंग एंड क्वालिटीज, ऑडिटर मीनिंग एंड क्वालिटीज, ऑडिटर कौन होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर आपको मैं विभिन्न प्रकार के ऑडिट्स भी बताऊंगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट कंटेंट आएगा आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या अंतर है, अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग। फिर इसके अंदर नेक्स्ट कंटेंट आपका आएगा अकाउंटिंग ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद 11वां कंटेंट ये आएगा आपके सामने, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग
विद अदर डिसिप्लिन। एंड लास्ट कंटेंट, 12वां कंटेंट आपका आएगा एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट में क्या क्या करना है, ऑडिट करने जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, इज इट डन। पर मैं इसमें एक कंटेंट और जोड़ना चाहता हूं, इंटरनल ऑडिटर वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिटर, ये भी मैं इसी में आपको कराऊंगा, एक्सटर्नल ऑडिटर। बस खत्म कहानी। अरे सर ये तो काम ही आसान हो गया, 13 कंटेंट करो और 10 नंबर पक्के, मार्क्स तो पक्के करने ही है पर नॉलेज को भी बढ़ाने आगे। तो बेटे ये आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये 12-13 कंटेंट जो करने हैं आपने, टोटल 13 कंटेंट, इसे करने के बाद हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो पहले ऑडिट किस चीज का करना है, पहले कंटेंट को समझ लो, ऑडिट किस चीज का करना है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2, ऑडिट में क्या, ऑडिट की जरूरत क्या है, ऑडिट करना क्यों है, फिर ऑडिट होता क्या है, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट के फायदे क्या है, ऑडिट की कमियां क्या है, उसके अलावा ऑडिटर कौन होता है, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कौन कौन प्रकार के ऑडिट होते हैं, ऑडिट और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या अंतर है, और ऑडिट का बाकी फील्ड से क्या रिलेशन है, इसके अलावा ऑडिट में करना क्या क्या है ये भी हमें जानना है। तो ये सारी चर्चा हम जारी करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। करें स्टार्ट, करें सब लोग, चलिए शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया, हाँ बच्चों बोलो, चले आगे बेटे, आंसर देते रहिएगा सब लोग। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कंटेंट्स को लेके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कंटेंट हमारे सामने आ रहा है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए पहला कंटेंट हम स्टार्ट करते हुए, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे कुछ लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मैंने कहा भाई नाम में ही तो सब कुछ रखा है, मैं तो नाम को ही एनालाइज करके बढ़ाऊंगा आपको। कैसे, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस इसी का खेल खेलना है, ये खेल खेल लिया तो बेड़ा पार है। अब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने उल्टा सीधा करके पढ़ा तो क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड फॉर जनरल पर्पस। लो जी आगे पीछे ही तो किया है, हां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड फॉर जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड फॉर जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस क्या होता है पहले ये जान ले। हां जी सबसे पहले जनरल पर्पस, जनरल पर्पस क्या होगा, अब हमारे को कोई बता दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और जनरल पर्पस क्या होता है, तो हमें इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जनरल पर्पस क्या होता है, जनरल पर्पस होता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑल, कौन ऑल, कौन आएंगे इसमें बताओगे, बोलो बेटे निर्माण व्यार जवाब दो, पालमपुर वालों जवाब दो, ये मैं जानना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड फॉर जनरल पर्पस, तो ये जनरल पर्पस क्या होगा, जवाब दीजिए। हां बेटे ये जनरल पर्पस क्या होगा, फटाफट फटाफट आंसर करो बताओ, फॉर द पर्पस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जी हां फॉर द पर्पस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड फॉर द पर्पस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, और ये स्टेक होल्डर में कौन आते हैं, हां जी इसमें आएंगे शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, पब्लिक एट लार्ज,
तो ये सब क्या हमारे स्टेक होल्डर्स। तो बेटा स्टेक होल्डर के अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर आते हैं, आपको मालूम है, ये आपने एथिक्स में भी पढ़ा था। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड फॉर द पर्पस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। अब ये ऑल स्टेक होल्डर में कौन होते हैं? स्टेक होल्डर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग से प्रभावित होते हैं। वो लोग, वो संस्थाएं, वो ग्रुप्स जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग से प्रभावित होते हैं, क्या कहलाएंगे? बोलो ना, स्टेक होल्डर्स। तो आइए, अब स्टेक होल्डर्स की बात तो हमने कर ली, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा? तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अलग अलग प्रकार के आएंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। अब इसमें आती है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा ये तो मालूम है आपको, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलावा अनेक्सर्स, अनेक्सर्स को हम नोट्स टू अकाउंट में भी लेके जाते हैं, वैसे नोट्स टू अकाउंट्स। तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्या क्या आएगा इसमें? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अनेक्सर, नोट्स टू अकाउंट। अब बैलेंस शीट क्या होती है, बोलो बोलो। तो बैलेंस शीट लिखिए, इट इज ए शीट ऑफ, शीट या स्टेटमेंट कह सकते हैं, इट इज ए शीट ऑफ या स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ असेट्स, इट इज ए शीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। As at a particular point of time, as on नहीं, as at a particular point of time। तो बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? बैलेंस शीट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। बेटे बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंसेज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटिटी, इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी की फाइनेंशियल पोजिशन बताती है। तो सर फाइनेंशियल पोजिशन मतलब क्या? फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब है पोजिशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, पोजिशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट की बात करते हैं, बैलेंस शीट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटिटी, दैट इज पोजिशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एन एंटिटी, इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी के ऑपरेटिंग रिजल्ट बताता है। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एन एंटिटी, क्या मतलब? दैट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये कौन बताएगा? पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें पता चलता है ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? पी एंड एल अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है दो बातें, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लोस एंड कैश आउटफ्लोस, कितना कैश आया और कितना कैश गया, किस चीज से? फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, कितना कैश आया और कितना कैश गया फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। अब ये वेरियस एक्टिविटीज में क्या आएगा? तीन तरह की एक्टिविटी आती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी, और वेरियस एक्टिविटी में क्या आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी कहां कवर होती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री। तो कितना कैश आया और कितना कैश गया
from various activities, cash inflow and cash outflow from various activities. कौन कौन सी activities? Financing activity, investing activity, operating activity, accounting standard 3. इसके बाद आते हैं जरा अनर्जर पे. चलो 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 यहां पहुंचते हैं. अनर्जर क्या होगा? It contains the details of items contained in financial statement. It contains the details of item contained in financial statement. Financial statement में जो item दी गई है, उनकी detail जानकारी कहाँ होगी? अनर्जर में. Debtor का total balance sheet में आता है, पर list of debtor कहाँ जाएगी? अनर्जर में. Debtor का total बेटा कहाँ बताते हैं? Balance sheet में. तो list of debtor कहाँ जाएगी? अनर्जर में. Creditor का total balance sheet में. List of creditor कहाँ जाएगी? अनर्जर में. Fixed asset का balance कहाँ दिखा रहे हैं? Balance sheet में. लेकिन डेप्रिसिएशन का चार्ट कहां बनेगा? अनर्जर में. तो जो भी डिटेल्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट पीएल में आइटम आ रही है, उनकी डिटेल जाएगी अनर्जर में. एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी कवर्ड अंडर नोट्स टू अकाउंट. आइए जरा नोट्स टू अकाउंट की भी बात करते हैं. इतना कर लिया नोट आप लोगों ने? हाँ बेटे बताइए, इतना पॉइंट क्लियर है सबको? ओके रिपोर्ट. तो अनेक्जर में क्या आएगा? इट कंटेन द डिटेल्स ऑफ आइटम कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर डेटर का टोटल बैलेंस शीट में आ रहा है तो लिस्ट ऑफ डेटर कहां जाएगी? अनेक्जर में. क्रेडिटर का टोटल बैलेंस शीट में आ रहा है तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर कहां जाएगी? अनेक्जर में. डेप्रिसिएशन का चार्ट कहां बनेगा? अनेक्जर में. और ये इसके साथ साथ क्या आ रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट. तो आइए जरा नोट्स टू अकाउंट की चर्चा अब हम करेंगे. चले चलो चलो सर नोट्स टू अकाउंट पढ़ते हैं. ये आ गए नोट्स टू अकाउंट्स. अब नोट्स टू अकाउंट में क्या आता है सर, जरा ध्यान से देखते हैं. हां जी, इट रेफर्स टू या इट कंटेन्स भी हो सकता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. इट रेफर टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, methods and procedures followed in the preparation and presentation of bolona financial statement. बेटे financial statement बनाते समय तथा उन्हें प्रस्तुत करते समय जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की गई है, अकाउंटिंग मेथड फॉलो किए गए हैं, प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, वो कहां आएंगे? नोट्स टू अकाउंट में. अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय तथा उन्हें प्रस्तुत करते समय जो पॉलिसी फॉलो की गई है, मेथड फॉलो किए गए हैं, प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, वो सब कहां दिखाएंगे? डिटेल्स अनेक्जर में. एएस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. एएस 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना है. कहां पर डिस्क्लोज करना है? नोट्स टू अकाउंट में. कैसे? जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप कहां बताओगे? बोलो ना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप कहां बताओगे? बोलो, नोट्स टू अकाउंट में. इसके अलावा इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, कहां बताओगे? नोट्स टू अकाउंट में. तो अलग अलग मेथड जो है, अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अगर हम कहें तो हम WDV फॉलो कर रहे हैं या SLM फॉलो कर रहे हैं, ये कहां बताया जाएगा? नोट्स टू अकाउंट में. इज इट क्लियर? तो जो पॉलिसी है, मेथड है, जो फॉलो किए गए हैं, उनको कहां बताया जाता है? नोट्स टू अकाउंट में. तो जैसे इसके अंदर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यू डेट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. इन्वेंट्रीज हैव बीन वैल्यू डेट, इन्वेंट्रीज कर लीजिए, इन्वेंट्रीज हैव बीन वैल्यू डेट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. तो इन्वेंट्रीज को किसमें वैल्यू किया गया? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. तो इस तरीके से अलग अलग तरह की पॉलिसी आपको डिस्क्लोज करनी है. तो बेटे बस यहां तो बात बन गई,
नोट्स और अकाउंट भी क्लियर है. तो इट रेफर टू द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, मेथड फॉलो किया है, प्रोसीजर फॉलो किया है, वो कहां बताओगे? नोट्स टू अकाउंट में. डन इट एवरीवन. जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या इन्वेंटरी वैल्यूएशन का या इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना, ये सारा क्लियर हो गया. चलो जी, अब इसको फाइनली पैकअप करते हुए फिर हम और आगे बढ़ेंगे. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो काम चलना है. चलिए, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग हमारे को क्लियर हो गया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड फॉर जनरल पर्पज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड फॉर जनरल पर्पज. जनरल पर्पज का मतलब क्या होता है? फॉर द पर्पज ऑफ ऑल स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर में क्या आएगा? शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक, इंप्लॉइज, गवर्नमेंट, कस्टमर, पब्लिक एट लार्ज. इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या कवर किया? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अनेक्जर नोट्स अकाउंट. अनेक्जर को हम नोट्स अकाउंट के साथ ही अंदर कवर कर देते हैं डिटेल्स में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. डन इट. चलिए, तो यहां पे अभी इसका मीनिंग क्लियर हुआ. अभी तो बेटे केवल मीनिंग क्लियर हुआ है, अभी तो इसके अंदर पिक्चर बाकी है. अब हम जानना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड टेक्निकल भाषा इसकी क्या है. टेक्निकल भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, तो आइए इसके लिए हम चलते हैं. अब जरा ध्यान से देखिएगा, एसेट 200. अब तो डेफिनेशन पे आएंगे बेटे हम. एसेट 200 क्या कहता है इसके बारे में? सर जी, ये एसेट 200 क्या है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200. इसका नाम जरा ध्यान से चलिएगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. पहले स्टैंडर्ड का नाम लिख लीजिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, बोलो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो सर ये क्या नाम है? हां बेटे, ये नाम है स्टैंडर्ड का. आसान थोड़ी ना है स्टैंडर्ड के नाम याद करना, लेकिन करेंगे धीरे धीरे, सारे याद होगा. एसे 200 कैसे, बोलो कैसे? एसे नंबर क्या बोलो? 200 नाम. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. अब ये क्या कहते हैं सर, इसे क्यों पढ़े हम? ये बताता है बेटे, क्या बताता है? ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगी. तो सर अभी तो पढ़ी बेटे, वो तो मीनिंग पढ़ा ना, अब टेक्निकल भाषा में भी तो जानो. बड़े कैसे होगे? बड़े तो तभी होगे जब टेक्निकल भाषा जानोगे. आओ जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेक्निकल भाषा के दर्शन कराएं. तो क्या कहते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेक्निकल भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे? आइए देखिए, लिखिए मेरे साथ साथ. द स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये स्टैंडर्ड कहता है, एसए 200 कहता है, द स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. लिख लीजिए सब लोग साथ साथ, द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स कॉमा इंटेंडेड टू कम्युनिकेट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेस इंटेंडेड टू कम्युनिकेट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेस और ऑब्लिगेशन एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन एट ए पॉइंट इन टाइम और चेंजेस देयर इन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम और चेंजेस देयर इन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बस सर इतनी हल्की डेफिनेशन अभी याद हो जाएगी. ये तो
सर क्या बात कर रहे हो, ये कोई हल्की डेफिनेशन है? हाँ बेटा ये हल्की डेफिनेशन है, मैं आपको भी दिखाता हूं। तो बहुत आसान डेफिनेशन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल तो बेटा केवल सोच है, बाकी तो सब आसान है। ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो एसे 200 ने डिफाइन किया किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्या कहता है एसे 200? एसे 200 कहता है द स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स इंटेंडेड टू कम्युनिकेट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्स और ऑब्लिगेशन एट ए पॉइंट इन टाइम और चेंजेस देयर इन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नोट कीजिए, नोट कीजिए जरा ध्यान से। अब इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक एक करके जानेंगे। तो बेटा आइए, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ढांचे के अंदर प्रस्तुति करना है, प्रस्तुति करना मतलब रिप्रेजेंटेशन, मतलब ढांचे के अंदर प्रस्तुत करना किस चीज को? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो सर ये ढांचा कहां से आएगा? अरे आएगा ना, जैसे कंपनीज के लिए ढांचा जो दिया है वो दिया है शेड्यूल थर्ड में, शेड्यूल थर्ड पार्ट वन बैलेंस शीट, पार्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे शेड्यूल थर्ड कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल थर्ड कंपनियों का ढांचा बताता है, वो बताता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो मतलब द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ढांचे में प्रस्तुत कर रहा है किस चीज को? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल मतलब व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। अरे जो काम तमाम हो चुका है, मतलब काम तो हो चुका है, वो तो पिछले साल में ट्रांजैक्शन इवेंट हो चुकी है, हम तो उन्हीं को प्रस्तुत कर रहे हैं। व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट हिस्टोरिकल। तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ढांचे में प्रस्तुत करना है, किसको प्रस्तुत करना है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हिस्टोरिकल के अंदर क्या आ गया? जो काम हो चुका है, पिछले साल ट्रांजैक्शन हो चुकी है, इवेंट हो चुकी है, उन इंफॉर्मेशन को हमने ढांचे में बताना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स क्या आएगा इसमें? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। अरे नोट्स में भी आ जाएंगे, देखो ये देखो इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स, पहली लाइन क्लियर हो गई सबको? द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स। नोट्स का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट करते रहिएगा सब लोग। इंटेंडेड टू कम्युनिकेट, इरादा क्या है? इरादा यह है कि हमें एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्स को कम्युनिकेट करना है। व्हाट आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी? व्हाट आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी? अरे भैया बड़ा सिंपल वर्ड है, असेट्स। एंड व्हाट आर द ऑब्लिगेशन? लाइबिलिटीज, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। इंटेंडेड टू कम्युनिकेट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्स और ऑब्लिगेशन एट ए पॉइंट इन टाइम। अरे भैया एट ए पॉइंट इन टाइम का मतलब आप जानते हो ना, एज एट। अब पहले कहते थे एज ऑन, अब कहते हैं एज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और चेंजेस देयर इन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब भैया चेंजेस कैसे दिखाते हैं? आपको पता है जब बनाते हैं इनको, ये करंट ईयर दिखाते हैं, ये प्रीवियस ईयर दिखाते हैं, तो ये चेंजेस दिखाते हैं ना, ये पर्टिकुलर आ गया, पर्टिकुलर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो ये क्या है? पिछले साल से इस साल में क्या चेंज आया, यानी कि चेंजेस देयर इन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब बच्चे ने कहा मदान सर ये तो बताओ कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? मैंने कहा जरूर बताऊंगा, चले आगे। आइए जरा बताता हूं पहले आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर इस डेफिनेशन पे वापस लौटेंगे। चलो 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 आइए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं। हेडिंग डाल सकते हैं आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब बेटे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी मैं रिवर्स उल्टा सीधा करके पढ़ूं, फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रेमवर्क फॉर, बोलो ना, फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल, बोलो बेटा, रिपोर्टिंग। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी तोड़ दिया हमने, क्या लिखेंगे?
फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल्स. फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल्स में रिपोर्ट करने किया फ्रेमवर्क. अब फाइनेंशियल्स क्या होते हैं बताओ बेटे. फाइनेंशियल्स के बारे में देखो, पहले हम फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलने लगे. प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या बुलाएंगे? फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट पी एंड एल. बैलेंस शीट पी एंड एल को रिपोर्ट करने का, बैलेंस शीट पी एंड एल को रिपोर्ट करने का क्या ढांचा? बैलेंस शीट पी एंड एल को रिपोर्ट करने का ढांचा क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जैसे कंपनीज के लिए शेड्यूल थर्ड में ढांचा दिया हुआ है, बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ढांचा दिया हुआ है. ध्यान रखिएगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे दिए होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कंपनीज का ढांचा कहां दिया हुआ है? शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ऐसे बैंकिंग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. अलग अलग ढांचे दिए हुए हैं. इंश्योरेंस का अपना ढांचा दिया हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट और IRDA फॉलो करते हैं हम वहां पे. तो ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट पी एंड एल को रिपोर्ट करने का ढांचा बहुत आसान है. डन इट. ओके चले आगे. नाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हमने क्या पढ़ा? फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल्स. फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट पी एंड एल को रिपोर्ट करने का ढांचा. तो चलिए इसको रिकैप करते हुए पैकअप करते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिकल वर्जन करके और आगे बढ़ेंगे, नीड ऑफ ऑडिटिंग पे चलेंगे. लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है बेटे. हाँ चलिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको, जरा एक बार ध्यान से देखेंगे सब लोग. सुनो प्रतीजी, तो बेटे SA 200 के बारे में हमने बताया कि SA 200 कैसे बताता है. SA 200 कैसे बताता है? पोज बाउंड कर दीजिए. SA 200 को कैसे बताना है? द ओवरऑल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट, SA 200 का नाम याद रखेंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करता है? द स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स इंटेंडेड टू कम्युनिकेट द एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्स और ऑब्लिगेशन एट ए पॉइंट इन टाइम और चेंजेस देयर इन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. चलो डन डन डन, मजा आ गया. चलिए यहां पे ये पॉइंट क्लियर है. अभी तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए. बढ़िया से क्लियर हो गया आपको? मैंने मीनिंग भी बताया, आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई, मीनिंग भी बताया डेफिनेशन भी बताई, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है. क्या बाकी है सर? बाकी है एक ही कंटेंट के ऊपर कितना कुछ बताओगे? अभी तो शुरुआत है बेटे, अभी तो हमने प्रैक्टिकल लर्निंग भी करनी है. लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें और बता दूं. सबसे पहले इसके अंदर एक हेडिंग और डालिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है ये भी जानना पड़ेगा. रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हां जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे. हां जी, एक तो आ गया मैनेजमेंट और एक आ गया ऑडिटर. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये पेपर में आता है बेटे, ध्यान रखना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये हम पढ़ेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम पढ़ेंगे. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द प्रिपरेशन, बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना. द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज दैट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी. मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी. द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज दैट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। बेटे बैलेंस शीट पीएनएल बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना तथा उन्हें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की तथा उन्हें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। अब तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? तो आइए जरा, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल सही है या नहीं, उचित है या नहीं, यह बताना किसका काम है? ऑडिटर का। बैलेंस शीट पीएनएल को बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, लेकिन उसके ऊपर रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की। ऑडिटर की जिम्मेदारी है यह बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, उचित है या नहीं। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, उचित है या नहीं, इस बारे में कौन बताएगा? बोलो ना, ऑडिटर। डन इट एवरीवन। चलिए तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर हो गई। एक छोटा सा वर्ड और बताऊंगा और उसके बाद कुछ और जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है और ऑडिटर की क्या है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और प्रस्तुत करना किसके अनुसार? इन अकॉर्डिंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज दैट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। वो जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की और प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है सर? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक राय व्यक्त करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो सही है या नहीं, उचित है या नहीं। इसकी भी डिटेल जानकारी हम आगे चल के शेयर करेंगे। चलिए अब और आगे बढ़ते हुए बस एक छोटी सी लाइन, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक वर्ड आता है एश्योरेंस। क्या आता है बोलो? एश्योरेंस। एश्योरेंस वर्ड ऑडिटर को क्या करना है? एश्योर करना है, भरोसा दिलाना है। तो इसके ऊपर जरा हम बात करते हैं। ऑडिटर एश्योर्स, नॉट इंश्योर्स। लिखना बड़ा प्यारा वर्ड है, ऑडिटर एश्योर्स नॉट इंश्योर्स। ऑडिटर एश्योर करता है, इंश्योर नहीं करता। जैसे अब इसके अंदर एक बात और याद रखना, The auditor's opinion, the auditor's opinion enhances the credibility of financial statements by providing a high but not absolute level of assurance, ये पढ़ेंगे। इसके बाद एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन नॉट बी गिवन ड्यू टू डैश। अब ये डैश के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना पढ़ते हैं। कहते हैं एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? भरोसा दिलाना। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है बोलो? भरोसा दिलाना। ऑडिटर एक हद तक भरोसा दिलाता है, भरोसा दिलाना। एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा दिलाना। ऑडिटर एक हद तक भरोसा दिलाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उचित है। ऑडिटर एश्योर करता है, ना कि इंश्योर करता है। ऑडिटर होने वाले खतरे के बारे में बताएगा, ना कि उससे बचाएगा। बचना आपको खुद ही पड़ेगा। ऑडिटर एश्योर करता है, ना कि इंश्योर करता है। ऑडिटर होने वाले खतरे के बारे में बताएगा, ना कि उससे बचाएगा। बचना तो आपको बेटे खुद ही पड़ेगा। द ऑडिटर ओपिनियन इनहांस, इनहांस होता है बढ़ाना, इनहांस द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? विश्वसनीयता, विश्वसनीयता।
ऑडिटर ओपिनियन इनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटे ऑडिटर का ओपिनियन देने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ऑडिटर का ओपिनियन देने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि ऑडिटर क्या प्रोवाइड करता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटर हाई लेवल तक तो एश्योर करेगा बट 100% एश्योर नहीं कर सकता। ऑडिटर हाई लेवल तक तो एश्योर कर सकता है पर 100% एश्योर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑडिट की भी कुछ जन्मजात कमियां होती हैं, स्वाभाविक कमियां होती हैं, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर एश्योर करता है ना कि इंश्योर करता है। ऑडिटर हाई लेवल तक एश्योर करेगा, 100% एश्योर नहीं दे सकता, क्योंकि ऑडिट की कुछ स्वाभाविक कमियां होती है और उन कमियों की चर्चा हम समय आने पर करेंगे। उनका अलग से टॉपिक है, आपको मालूम है, क्योंकि अब हम अगले टॉपिक में निकल जाएंगे तो फिर वो वाले टॉपिक को हम पैक करें पहले, डन इट। तो एश्योरेंस वर्ड भी याद रखना, नोट कर लीजिए सब लोग। एश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है बोलो बेटा? भरोसा दिलाना। ऑडिटर एश्योर्स बट नॉट इंश्योर। ऑडिटर भरोसा तो दिलाएगा लेकिन उसके बाद भी आपका नुकसान हो गया कोई तो उसकी जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है, वो नहीं भरपाई करेगा। ऑडिटर ओपिनियन इनहांस द, इनहांस होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, क्या? क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विश्वसनीयता को बढ़ाता है बाय प्रोवाइडिंग द हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, क्योंकि ऑडिट की कुछ जन्मजात कमियां होती है, स्वाभाविक कमियां होती है, जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। चलो तो चलो सर, ये तो डन हो गया, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल वर्जन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए प्रैक्टिकली चीजों को जाने, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बेटे अब मैं आपको रियल मायने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दर्शन कराने जा रहा हूं, अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने जा रहा हूं। तो आइए जरा देखते हैं, मैं आपके सामने मारुति सुजुकी की एनुअल रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं। यह मारुति सुजुकी की रिपोर्ट है, आइए जरा देखें। यह रिपोर्ट है भैया, जरा फोकस कीजिएगा, यह एनुअल रिपोर्ट है मारुति सुजुकी की। हां जी, 11-12 वर्ष की है मारुति सुजुकी की एनुअल रिपोर्ट है ये। अब इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग जरा बात करेंगे आपसे, जरा इसको फोकस कर दे। हां जी, चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इस रिपोर्ट के अंदर बिजनेस हाइलाइट्स, दिखाइए जरा भैया। हां जी, ये बिजनेस हाइलाइट है इनके, ये इनके नेट सेल्स आ रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, नेट सेल्स आ रहे हैं हर साल के इनके, बिजनेस हाइलाइट आ रहे हैं। इसके बाद ये इधर जरा फोकस करें इस पे, यहां पर, हां ये नेट सेल्स दिखा रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके दिखा दीजिए, ये बिजनेस हाईलाइट, ये इस तरीके से अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अब मैं इसके अंदर और आगे बढ़ूंगा, देखते जाइए। इसके बाद ये बिजनेस हाईलाइट कवर करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये मैसेज फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर है बेटे, ये मैसेज फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके सामने, ठीक है ना, ये मैनेजिंग डायरेक्टर का मैसेज आ गया। इसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, सब लोग जरा ध्यान से देखते चले, ये देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये एनुअल रिपोर्ट है बेटे, ये सब पता होना चाहिए। ये देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये दिख रहे हैं साथ साथ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए कंपनी के। ये पूरा एनुअल रिपोर्ट सारे शेयरहोल्डर को भेजी जाती है। इसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम है, ठीक है जी। इसके अलावा अब मैं आपको आगे आगे लेके चलता हूं, ये आता है बेटा नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब कुछ और जानकारियां आपके साथ साथ चलेंगी। ये एनुअल रिपोर्ट होती है बेटा, क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट, जो अपने शेयर होल्डर को कंपनी भेजती है। ये आ गई डायरेक्टर्स रिपोर्ट, क्या ही बोलो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये पूरी की पूरी डायरेक्टर रिपोर्ट है भैया। अब इसके अंदर और भी डायरेक्टर रिपोर्ट में आगे चलेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये पढ़ा था आपने? हाँ सर, हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी जाती है किसमें? एनुअल रिपोर्ट में, इधर दिख रहा है साथ साथ, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है बेटे, ठीक है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट से हम और आगे चले
तो इसके बाद ये देखिए अगली रिपोर्ट आपके सामने आ गई, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट भी एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है, ये एनुअल रिपोर्ट कंपनी की जा रही है। अब उसके बाद और आगे बढ़े, फिर हमारे सामने अरे सर कमाल हो गया, काम की रिपोर्ट आ गई जिसके लिए हम पूरा पूरा पढ़ रहे हैं। क्या आ गई? ऑडिटर्स रिपोर्ट। थोड़ा फोकस कर दीजिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात करें तो वी हैव ऑडिटेड द अटैच बैलेंस शीट ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31st March 2012 एंड द रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट अनेक्स्ड देयर टू व्हिच वी हैव साइंड विद रेफरेंस टू रिपोर्ट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अवर ऑडिट। ये देख रहे हैं, ये सारे की सारी रिपोर्ट आपको बनानी सीखनी पड़ेगी। और इसके ऑडिटर भी देखो कौन है, जरा या फोकस करें सर। ये देखिए प्राइस वाटर हाउस पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर है, ठीक है जी। तो ये आप समझिए जरा, ये प्रैक्टिकल लर्निंग है जो आप कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, ये देखो बच्चों क्या चीज आ गई, ये इधर वाले पेज पे फोकस करें, बैलेंस शीट। हाँ यही तो बनानी है हमने, यही तो सीखनी होती है, यही तो हम ऑडिट करेंगे, इसी का तो ऑडिट करना है। फिर इधर आए, ये आ गया आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब प्रैक्टिकल लर्निंग से बेटे, ये मारुति सुजुकी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद और आगे बढ़े तो अब क्या आ गया, ये देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नहीं बोलो? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद और आगे चलते हैं तो क्या आएगा बोलो? नोट्स टू अकाउंट। ये आ गया आपके सामने नोट्स टू अकाउंट। आगे नहीं आगे तो ये सारी की सारी रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट आपके सामने है, तो इसके अंदर आप लोग क्या सीखेंगे, ये पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट आपको मैंने दिखाई, तो ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर मारुति सुजुकी की एनुअल रिपोर्ट दिखाई, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे को लर्निंग प्रैक्टिकली करनी होती है। और ये सारी चीजें वन बाय वन आपको सीखनी है। अब आपने जो चीज सीखी उसको आपने प्रैक्टिकली लिंक किया इस एनुअल रिपोर्ट के जरिए। अब इसको जरा ध्यान से समझिए आप लोग कि हमने एनुअल रिपोर्ट के अंदर एनुअल अकाउंट्स मिले हमारे को, ये पूरी रिपोर्ट एनुअल अकाउंट नहीं थी। जब हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट पे गए तो क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल अकाउंट्स विच आर द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। पर एनुअल रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें आती है, वो आपने देखी। तो ये रिपोर्ट के मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, मारुति सुजुकी हर कंपनी की रिपोर्ट मिलेगी। आप इंटरनेट पे जाओ, आप रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट डालो, कोई डालो, सारी पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लो, आप देख सकते हो उसको ध्यान से। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले, पढ़ाई तो हो गई बेटे। टॉपिक नंबर वन तो फिनिश हो गया, अब बात आती है कि क्वेश्चन आंसर की, कि सर इस तरह पढ़ के हमारे को मिला क्या। आओ जरा मैं आपको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक में से। आइए क्वेश्चन नंबर वन बेटे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हर कंटेंट के बाद मैंने आपको क्वेश्चन करवाने हैं। पहला कंटेंट आपका डन हो चुका है, मैंने आपको मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दिया, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दिया, और एश्योरेंस का मतलब भी बता दिया, और आपको उसके दर्शन भी करा दिया, किसके? मारुति सुजुकी की एनुअल रिपोर्ट। और उसके बाद अब हम इसको जरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर ये तो हमें आ गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बेटे आपके एग्जाम में आया नवंबर 2005, और साथ में ये क्वेश्चन आया आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 2005 और आरटीपी में ये क्वेश्चन आया। अब इसका अगर आंसर देना हो, तो इसके आंसर में आपको कैसे करना चाहिए यह भी देख लो। अगर ये आंसर आ गया मेरे को करने को तो मैं क्या करके आऊंगा, ये आपका नवंबर 2005 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया। ये कितने नंबर का आया? 5 नंबर का। अब इसके अंदर आंसर देना हो पहले तो मैं मीनिंग बताऊंगा जो मेरे को क्लास में बताया, चार्ट नहीं बताने, डेफिनेशन आप टेक्सुअली बता के आएंगे, चार्ट में मत बताना टेक्सुअली बताना। पहले तो बताना मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, नंबर टू पे बताना डेफिनेशन, डेफिनेशन कैसे बताओगे, किसका रेफरेंस देते हुए, एसए 200 का रेफरेंस देते हुए। फिर आप बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, फिर आप बताएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर।
एफ के बाद लास्ट में बता देना एश्योरेंस वर्ड का, ये इतना आप बता देंगे पांच नंबर तो पक्के मिल जाने चाहिए, नहीं मिल जाने चाहिए बताओ, आराम से मिल जाएंगे, चिंता की बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल पर्पस वाले सेट में नवंबर 2005 में पांच नंबर का आया था, तो आप इसमें पहले मीनिंग बता के आए, चार्ट्स को इग्नोर करो, टेक्सुअली बता के आना, हेडिंग डाल के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ढंग से बता के आना, स्टेक होल्डर के बारे में, वो मतलब कि स्टेक होल्डर में कौन आते हैं, उनके लिए बनाई जाती है, फिर डेफिनेशन बताएंगे एसए 200 के अनुसार, द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स इंटेंडेड टू कम्युनिकेट द एंटिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम और चेंजेस देयरिन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अकॉर्डिंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बता देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बता देना, एश्योरेंस बता देना, यह टॉपिक आपका हो जाएगा फिनिश। क्वेश्चन नंबर टू, इसके बाद बेटे क्या आता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू ट्रू फॉल्स विद रीजन, ये भी आते हैं भैया कई बार, हर बार आए जरूरी नहीं है, पर ये भी आते हैं अलग अलग पैटर्न में, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे मैं तैयारी करवाऊंगा। ट्रू फॉल्स विद रीजन ये दो दो नंबर के आ सकते हैं, कई बार आते हैं कई बार नहीं आते, पर तैयारी इस पार्ट पे भी होनी चाहिए। पहला प्रश्न ए पॉइंट, पहला क्वेश्चन आ रहा है द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द preparation of the responsibility for the preparation of financial statement is that of auditor of the entity। ये question दे देता है exam में, अब बच्चे को answer पता है पर लिखना नहीं आता, answer सबको पता होता है, दिक्कत तो वही है CA final तक बच्चों के साथ दिक्कत एक ही है, सर answer पता है लिखना नहीं आता। मैं तो आपको बेटे correct incorrect या true false भी लिखने सिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिखने सिखाऊंगा, केस स्टडी भी लिखने सिखाऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन पे मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, हर तरह के क्वेश्चन पे। तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट ऑफ ऑडिटर ऑफ द एंटिटी, बताइए आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स, बोलो बोलो जवाब दो, अरे जल्दी जल्दी जवाब दो भैया, क्या आएगा आंसर बताइए बताइए, बोलो बोलो टेल टेल, हां बेटे पालमपुर वालों जवाब दीजिए, निर्माण विहार वालों, जमशेदपुर वालों, सभी सेंटर जवाब दीजिए, क्या आंसर आएगा, वेरी गुड द आंसर इज फॉल्स, सभी को पता है सर अभी अभी आपने पढ़ाया, फॉल्स आंसर आएगा, क्यों आएगा फॉल्स आंसर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है, तो यहां पे हम लिखेंगे द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन and presentation, the responsibility for the preparation and presentation of financial statements in accordance with financial reporting framework, in accordance with financial reporting framework is that of management of the entity, is that of management of the entity, pehle itna likhenge the responsibility for the preparation and presentation of financial statement in accordance with the financial reporting framework is that of management of the entity, phir paragraph change karke the responsibility of auditor is to express an opinion on true and fair view of financial statements and to express an opinion on true and fair view of financial statement and to report on whether the financial statement as a whole, to report on whether the financial statement as a whole are free from material misstatements, to report on whether financial statement as a whole are free from material misstatements। ये आ गया SA 200, लास्ट में लिख देना SA 200, रेफरेंस भी देना है ना, ये आंसर आपका जाएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए,
द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी है और उसके ऊपर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की उन्हें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की और प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, उचित है या नहीं, एक तो ये रिपोर्ट करेगा ऑडिटर, और दूसरा वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, इस पर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। नोट कर लीजिए सब लोग ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हुए, इतना क्लियर हो गया बेटा? तो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं जो सीखनी है। आगे जय एवरीवन। हाँ, वाराणसी का भी बहुत बढ़िया आंसर आया, फॉल्स आंसर आया। वाराणसी वालों वेलकम, आपको भी जोड़ लिया साथ में, आपकी हमारे सेल्स पे आ चुकी है, वाराणसी वाले ज्वाइन कर चुके हैं, निर्माण विहार पालनपुर, अब पटना वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, जमशेदपुर वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इसे हटा दूं बेटा, डन इट एवरीवन। चलिए, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज दैट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, किसकी जिम्मेदारी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? बोलो बोलो। ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन टू एंड फेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, एसए 200। कर लिया बेटे नोट? हाँ बेटे, चले आगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए, जमशेदपुर वालों डन इट, पटना वालों, वाराणसी वालों, बहुत बढ़िया। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, अब तो सर अब आगे बढ़ेंगे, अब तो काम आ गया। हाँ, अगला प्रश्न, बस एक क्वेश्चन और उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक भी देंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन जरा नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, वही करेक्ट एंड करेक्ट चल रहा है आपका, करेक्ट एंड करेक्ट यानी कि ट्रू फॉल्स विद रीजन, ट्रू फॉल्स विद रीजन चल रहा है। तो आइए जवाब दीजिएगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रू फॉल्स विद रीजन, ये भी 2 नंबर का है, जवाब दो बेटे। डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जवाब दीजिए। हाँ बेटे, फटाफट बताओ, आंसर बताओ। वाराणसी वालों जवाब दो, निर्माण विहार वालों जवाब दो, पालनपुर वालों, जमशेदपुर वालों, पटना वालों, सभी लोगों का आंसर चाहिए, फटाफट फटाफट, शाबाश। हाँ बेटे, फटाफट बताओ, क्या डायरेक्टर रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है? यस और नो, बोलो बोलो। जी हां, द आंसर इज फॉल्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, ये किसी का पार्ट होगी, ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होगी। तो क्या कहते हैं, आंसर लिखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट do not include report of board of directors, financial statement do not include report of board of directors, corporate governance report, management discussion and analysis report and other similar reports that may be included in
किसमें इंक्लूड कर सकते हैं? दैट में बी इंक्लूडेड इन एनुअल रिपोर्ट. ये किसका पार्ट है बोलो? एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट नहीं आती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है. दे आर द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट. किस चीज का पार्ट है? एनुअल रिपोर्ट का. तो इसमें कहते हैं, एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स. अनेक्सर इसी के अंदर कवर कर देते हैं, नोट्स टू अकाउंट. डन इट. तो इस तरीके से आपका आंसर जाएगा और ये आंसर आप देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो दो नंबर के अंदर इस तरीके से आप आंसर करेंगे, आपको डेफिनेटली इसमें प्रिविलेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट एंड अदर सिमिलर रिपोर्ट दैट मे बी इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट. जिनको किसमें शामिल किया जाएगा? एनुअल रिपोर्ट में. तो फाइनेंशियल ये इसके अंदर नहीं आएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएंगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैंने आपको पढ़ाया है. बोलो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको सबको मालूम है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अलावा नोट्स टू अकाउंट. डन इट एवरीवन. शुड आई रैबिट ऑफ एवरीवन? कर लिया बेटा नोट? हां जी बेटा. चलो, तो डायरेक्टर रिपोर्ट वाला क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया. ये कंटेंट हमारा पूरी तरह से क्या हो गया? फिनिश. चलिए, तो यहां पे हमने ये वाला कंटेंट भी पढ़ लिया, तो इसको जरा ध्यान से आप रिकैप कर लेंगे. तो क्या कहते हैं, ये जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आती है, क्या क्या आती है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, ये सब एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है. जो एनुअल रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई भी थी. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स अकाउंट. तो याद रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर एनुअल अकाउंट आते हैं. एनुअल अकाउंट अलग है, एनुअल रिपोर्ट अलग है. एनुअल अकाउंट फॉर्म पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, बट एनुअल रिपोर्ट में और भी चीजें आती है जो एनुअल अकाउंट का पार्ट नहीं होती. डन इट एवरीवन. तो यहां पे हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश होता है. अब हम 5 मिनट का ब्रेक करेंगे, थोड़ी देर रुक के फिर हम स्टार्ट करेंगे नीड ऑफ ऑडिट के साथ. चलिए, अब हम ब्रेक पे चलते हैं, 5 मिनट ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्या? नीड ऑफ ऑडिट के साथ. लेट्स हैव अ ब्रेक नाउ.
चलिए बेटा वेलकम बैक एवरीवन। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए ब्रेक से पहले हम लोगों ने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और अब हम और आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला पड़ाव है नीड ऑफ ऑडिटिंग। आइए जरा शुरुआत करते हैं नीड ऑफ ऑडिटिंग के साथ। प्लीज पुट अप द सेकंड हेडिंग नीड ऑफ ऑडिटिंग। बेटे गाना तो आपने बचपन में सुना होगा, अब बड़े होके उस गाने को रिपीट करने का टाइम आया। वो बचपन में गाना सुनते थे ना, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। तो वो जो फूलों का तारों का जो सुनते थे उसमें क्या आया, बहना, और बहना मतलब सिस्टर, और सिस्टर को जब ई साइलेंट है तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिस्टर। अब सिस्टर हमें बताएगी कि ऑडिटिंग की नीड क्या होती है। आइए जरा जाने नीड ऑफ ऑडिटिंग। एस आई एस टी आर नीड ऑफ ऑडिटिंग। नीड ऑफ ऑडिटिंग कौन बता रही है, सिस्टर। एस से क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। नोट करते रहिए, ऐसे क्या बोलो, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसके बाद आई से इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, बोलो ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। फिर एस से आता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। टी से ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। और आर से क्या आया, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटे ये सिस्टर बताती है नीड ऑफ ऑडिटिंग। कौन बताती है, सिस्टर। एस से सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आई से इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, एस से सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, टी से ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, और आर से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए जरा ध्यान से पढ़े नीड ऑफ ऑडिटिंग। चलिए अब इसके लिए मैं शुरुआत करूंगा अलग तरीके से। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, बोलो बोलो। एस से सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आई से इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, एस से सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, टी से ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, और आर से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें जानना चाहता हूं। ये है अकाउंटिंग और ये है ऑडिटिंग। लिखते चलिएगा, एक कंसेप्ट के साथ दूसरा कंसेप्ट आपको साथ में हो जाने वाला है। पर हम बोल रहे हैं नीड ऑफ ऑडिटिंग, पर उसके अंदर कुछ और विशेष जानकारी आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अकाउंटिंग के बारे में आपने पढ़ा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स थेरऑफ। तो अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आइए जरा जाने, पहला आता है रिकॉर्डिंग। तो मुझे ये बताओ, रिकॉर्डिंग के अंदर हम क्या करते थे, अकाउंट्स बनाते समय हम रिकॉर्डिंग में क्या करते थे, मालूम है? रिकॉर्डिंग के अंदर हम करते थे टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये याद है आपको, जब हम रिकॉर्डिंग करते थे तो हम क्या करते थे, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर हम सब्सिडरी बुक्स, जर्नल, ये सब बनाते थे, आपको मालूम है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ऑडिटिंग में क्या करना है, ऑडिटिंग में देखना है कि ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया, यानी कि टू इंश्योर, ये पक्का करना कि टू इंश्योर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, टू इंश्योर, बोलो ना, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ऑडिटिंग के हमें अंदर क्या करना है, यह पक्का करना है कि ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया।
तो ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना किसके अंदर आएगा? अकाउंटिंग के अंदर। और ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया ये किसमें आएगा? ऑडिटिंग के अंदर। देन अगला पॉइंट फिर आता है क्लासिफाइंग, ये भी तो अकाउंटिंग के अंदर आता था क्लासिफाइंग। हाँ तो इसमें हम क्या करते थे, टू प्रॉपरली क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उनके नेचर के अनुसार उनको क्लासिफाई करते थे, लेजर बनाते थे, लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स बनाते थे। तो क्लासिफाइंग में हम क्या करते थे, रिकॉर्डिंग में हमने जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बनाए, क्लासिफिकेशन के अंदर हमने लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट ओपन कर दिए। तो अब हमने ऑडिट में क्या करना है, ऑडिट में इंश्योर करना है टू इंश्योर वेदर ऑल ट्रांजेक्शंस आर properly classified or not, to ensure whether all transactions are properly classified or not, ये पक्का करना कि सारी transaction को properly classify किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। फिर आता था summarizing के अंदर हम क्या करते थे, to prepare reliable financial statements, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अकाउंटिंग का काम है। तो ऑडिटर का काम क्या, टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। अब मैं जब स्टार्ट किया ही हूं तो पहले अकाउंटिंग ऑडिटिंग को फिनिश ही कर देते हैं, फिर मैं अपने उस टॉपिक पे वापस चलूंगा, नीड ऑफ ऑडिटिंग पे। बेटे ये आपका टॉपिक नंबर थर्ड स्टार्ट हो चुका, पर ये थर्ड टॉपिक करने के बाद हम सेकंड में वापस जाएंगे, और सेकंड क्या है, नीड ऑफ ऑडिटिंग, और नीड ऑफ ऑडिटिंग यहीं से निकलेगा। नीड ऑफ ऑडिटिंग के 2 से 3 पॉइंट यहीं से निकलेंगे और बाकी हम पढ़ेंगे अलग से। तो पहले हम ये पढ़ रहे हैं तो इसी को कंप्लीट करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या करना है, अकाउंटिंग के अंदर मैंने बताया था अकाउंटिंग को डिफाइन करता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. पर बेटे हमने तो हिंदी में पढ़ी थी बचपन में, लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो कि कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हो, प्रभावपूर्ण तरीके से तथा मुद्रा में अभिलेखन करने, वर्गीकरण करने तथा सारांश में व्यक्त करने की कला है। तो इंग्लिश हिंदी सब आनी चाहिए, है कि नहीं है? तो अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या करना है, अकाउंटिंग के अंदर में करना है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नल बनाना है, सब्सिडरी बुक्स बनानी है। तो ऑडिट के अंदर हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया। फिर क्लासिफाइंग के अंदर टू प्रॉपरली क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, जिसका जैसा नेचर उसको वैसा क्लासिफिकेशन, यानी कि कहने का मतलब लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट हम बनाते हैं। तो ऑडिटर का काम क्या है, यह देखना कि ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया या नहीं किया गया। फिर बैलेंस शीट P&L बनाना किसके अंदर आएगा, अकाउंटिंग के अंदर। और ऑडिट के अंदर क्या आएगा, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विश्वसनीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा नहीं बनाएगा यह देखना किसका काम है, ऑडिटर का। तो आइए एक बात और जानते हैं, जब इतना चला तो थोड़ा और आगे चल लेते हैं। बाय होम अकाउंटिंग कौन करेगा, अकाउंटिंग कौन करेगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, अरे वाह सर ये तो आप आगे बढ़ गए, बाय अकाउंटेंट। अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मतलब दैट इज द पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, द पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, जिसको अकाउंटेंसी की जानकारी हो। अकाउंटेंट अकाउंटिंग कौन करेगा, अकाउंटेंट द पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। और ऑडिट कौन करेगा, बाय ऑडिटर, ऑडिट कौन करता है, बाय ऑडिटर। और इसके बाद एक बार और ध्यान रखना, इन इंडिया कॉमा ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, इन इंडिया ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ कंपनीज,
इंडिया ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ कंपनीज। इंडिया के अंदर कंपनी ऑडिट कौन कर सकता है? केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हुए और क्या डिफरेंस आ सकता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस हम और देखें तो आइए इसको पांचवें डिफरेंस को मैं यहां पे लिख देता हूं। ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस अब हम चलिए पांचवा डिफरेंस ही बनाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अकाउंट्स बनवाना जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। और ऑडिट करना जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर। क्लियर है बात? तो ये पांच डिफरेंस आपके यहां पे आ गए हैं। बाकी छोटी छोटी बातें और भी डिस्कशन होती रहेंगी इस पे। ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन यहां पे मैं अभी मेरी पिक्चर बाकी है कि मेरा टॉपिक अभी नीड ऑफ ऑडिटिंग चल रहा है। ये तीसरा टॉपिक हमारा हम कह सकते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हो। एक टॉपिक हमारा ये भी कवर हो गया, डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और एक बात और याद रखना, ऑडिटिंग बिगन्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी हमारा कवर हो गया, लेकिन अभी हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, नीड ऑफ ऑडिटिंग चल रहा है, वो चलाऊंगा मैं आपको भी। डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी कवर हो गया। एक तो ये याद रखना, अकाउंटिंग के अंदर हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बनाने हैं, ऑडिटिंग के अंदर हमें देखना है कि ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया। प्रॉपरली क्लासिफाई करना किसके अंदर आएगा? अकाउंटिंग में। ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया या नहीं किया गया, यह कौन देखेगा? ऑडिटर। इसके अलावा समराइजिंग, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसमें आएगा? अकाउंटिंग में। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा या नहीं बनाएगा, यह कहां आएगा? ऑडिट में। अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट द पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। और ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर। इन इंडिया ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ कंपनीज। कंपनी ऑडिट कौन कर सकता है? केवल और केवल बोलो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बाद और क्या कहते हैं, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंट्स बनाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। अकाउंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। और ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, छठा पॉइंट और लिख लो, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो। क्या? प्रिंसिपल्स। ये मैं पॉइंट यहां पर रख दूं, प्रिंसिपल्स। अकाउंट बनाते समय क्या फॉलो करते हैं? प्रिंसिपल्स की बात करें, इट इज परफॉर्म्ड एज पर एएस, इट इज परफॉर्म्ड एज पर एएस। अकाउंट्स बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और इट इज परफॉर्म्ड एज पर एसए। ऑडिट करते समय क्या फॉलो करेंगे? एसए, परफॉर्म्ड एज पर एसए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आप नीचे लिख लीजिएगा छठा पॉइंट। इज इट डन एवरीवन? क्लियर है बात सभी को? अब जरा और आगे बढ़ते हैं। ये छह डिफरेंस हमारे क्लियर हो गए, बहुत ही बढ़िया से हमारा एक टॉपिक और डन हो गया। लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक नीड ऑफ ऑडिटिंग चल रहा है उसको मैं क्लियर कर दूं। अब जरा इधर आ जाते हैं, देखें जरा ध्यान से, सिर्फ इतना पोर्शन देखेंगे हम, ये वाला पोर्शन उसे भूल जाओ, अकाउंटिंग का भूल जाओ, ऑडिटिंग का देखो। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो हमारा पहला पॉइंट इसमें कवर हो गया नीड ऑफ ऑडिटिंग का। नीड ऑफ ऑडिटिंग हम पढ़ रहे थे, और नीड ऑफ ऑडिटिंग का हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया। क्या बताओ? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। पहला पॉइंट क्या था? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसके अंदर हम लिखेंगे द ऑडिटर शुड इंश्योर द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ऑडिटिंग का पहला काम क्या है? इट हेल्प टू इंश्योर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला पॉइंट डन हो गया, पहली नीड डन हो गई। इट हेल्प टू इंश्योर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ, बोलो ना, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसके बाद अगला ये वाला पॉइंट भी आ गया, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये नीड ऑफ ऑडिटिंग में चेक करो, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कवर हो गया। तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इट हेल्प्स टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो पॉइंट यहां से कवर हो गए, बोलो डन। दो नीड तो बेटे यहां से कवर हो गई हमारी, अब बाकी की तीन नीड और पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? उसके बाद हमारा पैकअप हो जाएगा। तो पढ़ा मैं नीड ऑफ ऑडिटिंग ही रहा था,
पर नीड ऑफ ऑडिटिंग पढ़ाते पढ़ाते हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी कवर हो गया। अब डिस्टिंक्शन को पैकअप करते हुए एक बार आगे बढ़ेंगे तो अकाउंटिंग का पहला मकसद क्या आया, रिकॉर्डिंग टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और उधर में क्या आया टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग टू इंश्योर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर अकाउंट्स बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं और ऑडिट करते समय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, एसए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्लासिफाइंग टू प्रॉपरली क्लासिफाई ऑल द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ये किसमें आएगा अकाउंटिंग में, और ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया गया या नहीं किया गया और साथ में प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया नहीं किया गया, यह कहां पे आएगा ऑडिट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसके अंदर आएगा अकाउंटिंग में, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है या नहीं बनाई गई है कौन देखेगा ऑडिटर। फिर अकाउंटिंग कौन करता है, अकाउंटेंट द पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, और ऑडिट कौन करेगा ऑडिटर। इन इंडिया ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ कंपनीज। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके अलावा अब हम जो अपने 5 पॉइंट पे आ रहे हैं जिनमें से हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए, कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए, 2 पॉइंट कवर हो गए जो हम नीड ऑफ ऑडिट पढ़ रहे थे, याद है जो नीड ऑफ ऑडिट पढ़ रहे थे उसमें 2 पॉइंट कवर हो गए। एक तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑडिटिंग हेल्प्स टू इंश्योर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, नंबर 2। फिर आया था रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट हेल्प्स टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना लिखना है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, बस 3 पॉइंट और पढ़ने हैं और उसके बाद हमारी नीड भी खत्म ऑडिट की। तो तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपके सामने, बोलो बोलो, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। पहले इसका डायग्राम बनवाऊंगा फिर इसके बारे में लिखवाऊंगा, और आपने केवल लिख के आना है, डायग्राम नहीं बनाने एग्जाम में, डायग्राम आपके समझाने के लिए। आओ बच्चों बड़ा प्यारा प्यारा डायग्राम आपको बनवाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं, आनंद ही आनंद है, ऑडिट के अंदर बहुत मजा है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब देखो जरा, आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, आइए जरा अंडे का फंडा सीखना है, ये कौन है ए बी सी डी ई एफ और एक्सेट्रा, ये कौन है, ये सब कौन है, ये है बेटे शेयर होल्डर्स, कौन है बोलो शेयर होल्डर्स, ये सब कौन है बोलो शेयर होल्डर्स। इन सब लोगों ने मिलके एक काम किया, क्या काम किया बोलो ना, ये सब शेयर होल्डर थे, इन्होंने मिलके एक काम किया, सब लोगों ने बोलो क्या काम किया, इन सब लोगों ने मिलके एक बनाई कंपनी, ये शेयर होल्डर बन गए कंपनी के, इन्होंने मिलके एक कंपनी का निर्माण किया और कंपनी इन सब लोगों ने बनाई और कंपनी मैनेज करने के लिए किसको दे दी, कंपनी मैनेज करने के लिए किसको दे दी बताओ ना, कंपनी को कौन मैनेज करेगा, इन लोगों ने कंपनी तो बना दी और कंपनी मैनेज करने के लिए दे दी बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी को कौन चला रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किसने किया शेयर होल्डर्स ने, ठीक है ना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किसने किया अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंट किया, कैसे क्यों अपॉइंट किया कि भैया तुम हमारी कंपनी चलाओ, अब सारे शेयर होल्डर थोड़ी ना कंपनी को चलाएंगे, सारे शेयर होल्डर कंपनी को चलाने लगे तो कंपनी चलेगी नहीं, चल जाएगी, ध्यान रखना। तो इसके लिए ध्यान रखना, सारे शेयर होल्डर ने मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया कि तुम कंपनी चलाओ, क्यों अपॉइंट किया टू मैनेज, क्या मैनेज करेंगे द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बेटे ये अफेयर 14 तारीख वाले नहीं है, ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के अफेयर नहीं है, ये बिजनेस अफेयर है, कंपनी के बिजनेस अफेयर को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, इन्होंने शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि भैया तुम कंपनी चलाओ, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अब ये शेयर होल्डर क्या जानना चाहते हैं जरा देखो, ये जो शेयर होल्डर्स है ये जानना चाहते हैं कि इन लोगों ने कंपनी ढंग से चलाई या ना चलाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को ठीक से चलाया या नहीं चलाया। तो इसे जानने के लिए इन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर ये जानना चाहते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ढंग से कंपनी को चलाया या नहीं चलाया, इसलिए इन्होंने अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया, एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन, इन्होंने अपॉइंट किया एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन।
शेयर होल्डर ये जानना चाहते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को ढंग से चलाया या नहीं चलाया। इसके लिए शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया? एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन। ये कौन है इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड पर्सन? कौन है? ऑडिटर। कौन है बोलो? ऑडिटर। तो शेयर होल्डर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया किस सीट पर? रिपोर्ट करने के लिए, टू रिपोर्ट ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर ये जानना चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को ढंग से चलाया या नहीं चलाया। उसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया बोलो? इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन। और ये इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन कौन था? ऑडिटर। ऑडिटर किस पे रिपोर्ट करेगा? टू रिपोर्ट ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये रिपोर्ट किसको करेगा? रिपोर्ट टू, रिपोर्ट टू। ये किसको रिपोर्ट करेगा? कंपनी को। बोर्ड जो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा अफेयर्स ऑफ द कंपनी पे, वो किसको रिपोर्ट करेगा? कंपनी को। और कंपनी क्या करेगी? ऑडिट रिपोर्ट फॉरवर्ड टू, ऑडिट रिपोर्ट फॉरवर्ड टू किसको भेज देगी? ऑडिट रिपोर्ट वो भेज देगी शेयर होल्डर्स को। किसको भेज देगी? शेयर होल्डर्स को। तो ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया। क्यों अपॉइंट किया? कंपनी चलाने के लिए। अब शेयर होल्डर ये जानना चाहते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को ढंग से चलाया या नहीं चलाया। तो इसके लिए शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन को। ये इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड पर्सन कौन था? ऑडिटर। और ऑडिटर किस पे रिपोर्ट करेगा? ऑडिटर किस पे रिपोर्ट करेगा? ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। किसको रिपोर्ट करेगा? कंपनी को, कि अफेयर कैसे चल रहे हैं, ठीक से कंपनी चलाई जा रही है नहीं चलाई जा रही। किसको रिपोर्ट करेगा? कंपनी को। और कंपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको भेज देगी? शेयर होल्डर्स को। डन इट। अब इसी को मैं टेक्सुअल लैंग्वेज में लिखूंगा, जिसको हम यहां पे करेंगे। आइए जरा, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? बोलो बेटा। वाराणसी वालों जवाब दो, जमशेदपुर, पटना, निर्माण विहार, पालनपुर, सभी लोग जवाब दीजिए। ध्यान से देखिए, बड़ा एंटरटेनिंग हो गया कलाकृतियों के साथ पढ़ते हुए, बहुत मजे से पढ़ते हुए। अब ये जरा इसको टेक्सुअली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? शुड आई रबिट ऑफ, हटा दूं इसको मैं? अब इसी बात को मैं टेक्सुअली लिंक करूंगा। देखिए, अब मैं इसको दूसरे पेज पे ले जाता हूं, इसको फिर हम बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। आइए जरा ध्यान से देखिए। हाँ चलो, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, इसको थोड़ा सा साइड करते हुए चलिए यहां पे आ जाएगा। डन, यहां पे समझते हैं हम लोग। यही हमारा टॉपिक चल रहा है, थर्ड पॉइंट चल रहा है हमारा, नीड ऑफ ऑडिटिंग का, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब एग्जाम में क्या लिख के आना है वो जरा लिखिए मेरे साथ। लैंग्वेज वही है जो डायग्राम में पढ़ाई है, बस थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका देखिए। ऑडिट इज, लिखो, ऑडिट इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर दोज, ऑडिट इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु इन्वेस्ट देयर मनी, ऑडिट इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द बिजनेस एंटिटी। ऑडिट इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द बिजनेस एंटिटी but could not take participation, in the conduct of its business, audit is primarily important for those who invest their money into the business entity, जो पैसा तो लगा देते हैं, but could not take participation in the conduct of the business, जो उसके business में participate नहीं कर पाते, such as shareholders of a company invest their, अब इसमें invest के आगे नहीं लिखेंगे, पहले shareholder of the company पे example देख लेते हैं, ठीक है ना? In case of company, comma, the ownership of the company, लिखते रहिए, the ownership of the company is in the hands of shareholders of the company, the ownership of the company is in the hands of shareholders of the company, while the management of the company,
द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होता है सौंपना, इंटरेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स, वाइल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वाइल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी की ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथों में होती है, जबकि कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर किसको सौंप देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नाउ पैराग्राफ चेंज, शेयर होल्डर्स वुड लाइक टू नो क्या जानना चाहते हैं? वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स वुड लाइक टू नो वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव मैनेज्ड द कंपनी, whether the board of directors have managed the company in a proper manner, whether board of directors have managed the company in a proper manner, therefore comma they appoint an independent, therefore they appoint an independent and qualified person, therefore they appoint an independent and qualified person to report on affairs of the company, therefore they appoint an independent and qualified person to report on affairs of the company, such person is called auditor of the company, such person is called auditor of the company। इसे नोट कीजिए, मैं साथ साथ समझा रहा हूं फिर खत्म करते हैं, दो पॉइंट और होंगे इसके बाद। क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, ऑडिट इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु इन्वेस्ट देयर मनी इनटू अ बिजनेस बट कुड नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ऑडिट उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपना पैसा तो बिजनेस में लगाते हैं पर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। पैसा लगा दिया लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, जैसे कंपनी के शेयर होल्डर। कंपनी की जो ओनरशिप होती है, कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर के हाथों में होती है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर किसके हाथ में दे देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। तो शेयर होल्डर ये जानना चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी को प्रॉपर तरीके से चलाया या नहीं चलाया। शेयर होल्डर वुड लाइक टू नो वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव मैनेज्ड द कंपनी इन अ प्रॉपर मैनर, देयरफॉर दे अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन टू कंडक्ट द टू रिपोर्ट ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अफेयर्स के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करते हैं, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड, बोलिए एवरीबॉडी, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑडिटर ऑफ द कंपनी। डन इट एवरीवन, क्लियर है बात सभी को? वाराणसी वालों आंसर दो बेटा, नोट कर लिया बेटे? क्लियर है सभी को? निर्माण विहार, पालनपुर, सभी लोग जवाब दे, जमशेदपुर, पटना, हां बेटे बोलो बोलो, शाबाश। क्लियर है बात सभी को? चले आगे। हां जी बेटा, वाराणसी वालों आंसर दो बेटे, आपने नोट कर लिया? जी चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हुए, यहां पे हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हो गया, अब हम वापस आएंगे, हटा दूं बेटा इसको मैं, वेरी गुड। चलो अब हम आखिरी पॉइंट, दो पॉइंट बचते हैं हमारे, उनको हम और पढ़ेंगे नीड ऑफ ऑडिटिंग में। चलो वाराणसी वालों ने भी नोट कर लिया, उनका आंसर आ गया। बेटे अपना नाम भी लिख के भेजा करो साथ में, नाम भी लिख के भेजा करो, है ना? सभी लोग अपना नाम नाम भी लिख के भेजे, सबके नाम से बुलाएंगे हम, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हुए, इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहां पे हमने, सुनिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपको तीन नीड बता दी, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बता दिया, दूसरा रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दिया, तीसरा सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब दो रह गई, एक तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, और इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। तो आइए फोर्थ नीड लिखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। लिखिए सब लोग मेरे साथ, तो इसमें लिखिएगा ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। लिख लीजिए सब लोग पहले, ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बोलो ना,
फाइनेंशियल कंट्रोल इट एक्ट एज ए सेफ गार्ड, इट एक्ट एज ए सेफ गार्ड, इट एक्ट एज ए सेफ गार्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर, ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर अगेंस्ट एक्स्ट्रावेगेंस, अगेंस्ट एक्स्ट्रावेगेंस, केयरलेसनेस और फ्रॉड, और फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज, ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स और एम्प्लॉयज इन द रियलाइजेशन और यूटिलाइजेशन, इन द रियलाइजेशन और यूटिलाइजेशन, इन द रियलाइजेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ हिज मनी और अदर सेट्स, ऑफ हिज मनी और अदर सेट्स। आइए इसको समझते हैं, ये पार्ट समझते हैं बेटे। ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब बेटे? फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ओवर द फाइनेंस, कंट्रोल ओवर द फाइनेंस। बेटे अगर आपको अपने फाइनेंस पे कंट्रोल, कोई क्लाइंट कहता है जी हम ऑडिट क्यों करवाएं, कोई क्लाइंट कहता है ऑडिट क्यों करवाएं, हम उसको कहते हैं कि अगर आपको अपने फाइनेंस पे कंट्रोल करना है, अपने फाइनेंशियल्स पे कंट्रोल करना है, अपने पैसे पे कंट्रोल करना है तो ऑडिट करवाइए आप। हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पे फिजूल खर्च हो रहा है, हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पे लापरवाही हो रही है, हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पे फ्रॉड हो रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल ओवर द फाइनेंस। अगर आपको अपने फाइनेंस पे कंट्रोल करना है तो आपको ऑडिट करवाना चाहिए। हम ये अपनी बात क्लाइंट के रखेंगे आगे उसके। इट एक्ट एज सेफ गार्ड, हम एक सुरक्षा कर्मी की तरह काम करते हैं, एक सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं। किसके भी आप, प्रोप्राइटर के भी आप, मालिक के भी आप, हम मालिक के भी आप एक सेफ गार्ड के रूप में काम करेंगे अगेंस्ट एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है? फिजूल खर्च, केयरलेसनेस, लापरवाही, फ्रॉड, धोखा। ये कौन कर सकता है? ये मैनेजमेंट भी कर सकता है, ये एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। तो मैं मालिक को कह रहा हूं कि अगर आप ऑडिट करवाएंगे तो आपके मैनेजमेंट ने या एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड किया हुआ, कोई फिजूल खर्च हुआ, कोई लापरवाही हुई तो वो हम आपके सामने लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ऑडिट एक इंस्ट्रूमेंट है किसी का फाइनेंशियल कंट्रोल का, और फाइनेंस पे कंट्रोल करना है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। और इट एक्ट एज सेफ गार्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर, हम प्रोप्राइटर मतलब मालिक के बिहाफ पे काम करते हैं। किस चीज के अगेंस्ट? अगेंस्ट एक्स्ट्रावेगेंस, फिजूल खर्च, केयरलेसनेस, लापरवाही, फ्रॉड। ये कौन करेगा? या तो मैनेजर या एम्प्लॉय इन द रियलाइजेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ हिज मनी और अदर असेट्स। मतलब उसके जो मालिक है उसके पैसे को रियलाइज करते समय या यूटिलाइज करते समय, मालिक के पैसे को रियलाइज करते समय या यूटिलाइज करते समय अगर कोई फ्रॉड हुआ है, कोई लापरवाही हुई है, कोई फिजूल खर्च हुआ, तो उसको कौन रोकेगा? रोकने का मतलब यह, उस पर कौन रिपोर्ट करेगा? ऑडिटर। रोकना हमारा काम नहीं है, पर रिपोर्ट करना हमारा काम है। अब जैसे होता है ना कि अपनी जेब से तो जाता नहीं, अब इंप्लॉई को खर्चा करना है तो वो क्या कहते हैं कि हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो सिर्फ क्या, अगर अपनी जेब से खर्चना हो तब तो बंदा 10 बार सोच के खर्चता है, लेकिन अगर यही पैसा दूसरे की जेब से निकलना है तो वो कहता है, लापरवाही करते हैं कि चल भाई 200 की चीज आ रही है तो मतलब 150 की चीज 200 की मिली तो ले आए, या लापरवाही कर दी, फ्रॉड कर दिया, गड़बड़ कर दी, 300 का पेट्रोल डलवाया, 500 की पर्ची बना लाए। तो ये सब क्या गड़बड़ चलती है? क्यों? इनको रोकना है, इनको मिनिमाइज करना है तो ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट करवाएंगे तो ऑडिटर बताएगा कहां कहां पे फिजूल खर्च हो रहा है, कहां कहां पे लापरवाही हो रही है, कहां कहां पे फ्रॉड हो रहा है, और उनसे बचने में आपकी मदद करेगा। ठीक है ना? तो चलिए,
by reporting on these issues. So kehte audit is an instrument of financial control. Financial control matlab control over the finance. It act as safeguard on behalf of proprietor. Hum malik ke behalf pe kaam karte hain ki kahin fizul kharch to nahi ho raha, kahin lapravahi to nahi ho rahi, kahin fraud to nahi kar rahe aapke manager ya servant in the realization of utilization of his money or other asset. By realization of money mein kya? Realization of money में क्या होता है? जैसे discount दे दिए, fictitious discount दे दिए, rebate दे दिए, दिए नहीं, अपनी जेब में डाल लिए और दिखा दिया क्या कि discount दिया है, या फिर कोई खर्चा किया, पेट्रोल डलवाया और खर्चे किए और बड़ा चढ़ा के inflate कर दिए खर्चे, या जाली voucher लगा दिए, इन सब से कौन बचाएगा? बचाएगा तो नहीं, पर रिपोर्ट जरूर करेगा ऑडिटर. और कैसे बचना है हम एडवाइज कर देंगे. अब उसको मालिक को देखना किस तरीके से इसके ऊपर, वल्ला हम सजेशन भी देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए कि सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए ताकि फिजूल खर्च ना हो, लापरवाही ना हो, फ्रॉड ना हो. उसके ऊपर ऑडिटर अपने सजेशन भी देता है, क्योंकि ऑडिटर अब एक डॉक्टर की तरह काम करता है. डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर आपके पास, आप किसी डॉक्टर पे जाए और वो डॉक्टर को आप बोले कि भैया हमारी अब डॉक्टर को बोले जरा चेक करना तबीयत खराब है, वो कहता अरे तुम्हें तो बहुत तेज तबीयत खराब है, बुखार भी है, तो आप क्या करें? डॉक्टर कहता घर जाओ. जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास? नहीं. जो आपको बीमारी बता के भगा दे वो डॉक्टर पे जाओगे? तो वी आर द बिजनेस डॉक्टर, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट पीपल आर द बिजनेस डॉक्टर. तो हमें बीमारी भी तो बतानी है, तो उपचार भी बताना है, सजेशन भी देने हैं, रिकमेंडेशन भी देने हैं. किस चीज के लिए? इंप्रूवमेंट के लिए. सजेशन देना है, रिकमेंडेशन देना है इंप्रूवमेंट के लिए. वो कहते हैं ना डॉक्टर दवाई देता है, कुछ लोग ऐसे खाते हैं, कुछ लोग ऐसे खाते हैं, जो ऐसे खाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और जो ऐसे खाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं. तो हमारा भी काम क्या है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा काम एडवाइस देना है. वो फॉलो करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको रिकमेंडेशन देंगे फॉर इंप्रूवमेंट इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ताकि वो अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मजबूत बनाए, अच्छा बनाए, ताकि फ्रॉड एरर कम हो, मिनिमाइज हो और फिजूल खर्च कम हो, केयरलेसनेस कम हो. और उसके बाद अगला पॉइंट आपके सामने आता है, पांचवा पॉइंट, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट. ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद नीड खत्म. ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बोलो ना, फैक्ट्स. ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. तो चलिए इसके बारे में लिखिए दो लाइनें. इट इंश्योर्स दैट, इट मतलब ऑडिट, इट इंश्योर्स दैट the accounts maintained truly represent the facts. The accounts maintained, it ensures that the accounts maintained truly represent, the accounts maintained truly represent the facts. The accounts maintained truly represent the facts and the expenditure has been incurred and that, and the expenditure has been incurred, the expenditure has been incurred with due regularity and propriety, with due regularity and propriety. बस खत्म, इतना ही समझना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना ही समझना है. ध्यान से देखिएगा. True representation of fact. Fact क्या होते हैं? तथ्य. तथ्यों को सही से प्रस्तुत करना, तथ्यों को ठीक से प्रस्तुत किया गया या नहीं किया गया, इस पर रिपोर्ट करना भी ऑडिटर का काम है. ऑडिटर यह इंश्योर करता है दैट द अकाउंट मेंटेन ट्रूली रिप्रेजेंट द फैक्ट. जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो तथ्यों को सही से प्रकटीकरण करते हैं, तथ्यों को सही से बताते हैं, फैक्ट को सही से बताते हैं. एंड द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, जो खर्चा किया गया है वो कैसे किया गया है? ड्यू रेगुलरिटी एंड प्रोपराइटी. प्रोपराइटी मतलब क्या? अपना समझ के, अपना समझकर खर्चा कैसे करना है, अपना समझकर, अपना समझकर अपने ऊपर नहीं करना. जैसे अपने लिए अपनी पॉकेट से खर्चा करते हो वैसे ही कंपनी के लिए कंपनी की पॉकेट से खर्चा करना है. यानी कि टेंडर शुड बी इनवाइटेड बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर्स. ऑर्डर देने से पहले टेंडर इनवाइट किया जाना चाहिए, उनका इवेल्युएशन किया जाना चाहिए और जिसने बेस्ट टेंडर भरा है उसको ऑर्डर दिया जाना चाहिए. यानी कि खर्चा करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे अपनी पॉकेट से अपने लिए खर्चा करते हैं, वैसे ही कंपनी की पॉकेट से कंपनी के लिए खर्चा करना है. कहने का मतलब
ट्रूली रिप्रेजेंट द फैक्ट। ऑडिटर क्या इंश्योर करता है, जो अकाउंट बनाए गए वो तथ्यों का सही प्रकटीकरण करते हैं, दे ट्रूली रिप्रेजेंट द फैक्ट एंड द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, जो खर्चा किया गया है वो रेगुलर तरीके से किया गया हो, अपना समझ के किया गया हो, ये नहीं कि भैया अपनी जेब से क्या जा रहा है, अपनी जेब से क्या जा रहा है, ये काम नहीं चलेगा। आपको खर्चा करना है तो अपना समझ के करना है। याद रखिएगा कि अगर जैसे एक एक रुपया बचाते हैं ना कोई, अगर अपना सामान लेने जाते हैं तो चार जगह पैसा बचा के काम चलाया जाता है, उसी तरीके से आपने खर्चा करना है। डन इट एवरीवन। चलिए तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, इट इंश्योर दैट द अकाउंट मेंटेन ट्रूली रिप्रेजेंट द फैक्ट, जो अकाउंट बनाए गए हैं वो तथ्यों का सही प्रकटीकरण करते हैं और जो खर्चा किया गया वो प्रॉपर्टी अपना समझ के किया गया और रेगुलर तरीके से किया गया। तो बेटे इसके अंदर हमने कितने पॉइंट पढ़े, जरा ध्यान से सुनिएगा। हां जी, तो इसके अंदर हमने कितने पॉइंट पढ़े, हमने पांच पॉइंट पढ़े हैं नीड ऑफ ऑडिटिंग में। नीड ऑफ ऑडिटिंग में हमने पांच पॉइंट पढ़े, क्या क्या पढ़ा, सिस्टर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑडिटिंग हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन एंड बी सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड, फिर आई से इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑडिट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है ना। तीसरा एस से सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, ऑडिट उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पैसा तो बिजनेस में लगा देते हैं पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। टी से ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट और आर से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटे ये पांच नीड आ गई ऑडिटिंग की और मुझे उम्मीद है कि ये पांचों नीड आपको कवर हो गई होंगी। आप सभी को याद हो गई ये पांचों नीड, हाँ जी, तो आप सभी को ये पांचों नीड याद हो गई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन, तो ये एक पॉइंट आपका और कवर हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ा बताओ जरा। हमने पढ़ा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने पढ़ा ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, और हमने पढ़ा नीड ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग के बारे में हल्का सा परिचय देके जाऊंगा, फिर डिटेल तो ऑडिट के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं ऑडिटिंग की डेफिनेशन, व्हाट इज ऑडिट। ये फोर्थ टॉपिक आ गया आपका, ऑडिट क्या होता है। ऑडिट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां मैं आपसे शेयर करूंगा और मेन डेफिनेशन अगली क्लास में शेयर करेंगे। तो ऑडिट वर्ड, ऑडिटिंग की हम बात करें तो ऑडिट वर्ड बहुत पुराना है भैया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑडिट का जन्म कहां से हुआ है, ऑडिट का जन्म कहां से हुआ उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऑडिट वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा भैया, जूम आउट कर दीजिए थोड़ा। हाँ, तो ऑडिट के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऑडिटिंग वर्ड कहां से आया, ऑडिटिंग वर्ड आया लेटिन वर्ड ओडायर। मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री में लेके चल रहा हूं आपको, बोलो चलना चाहते हो, बेसिक फंडामेंटल जानने पड़ेंगे, कहां से पैदाइश है, कहां से चलता हुआ आ रहा है ऑडिट। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, ये ऑडिटिंग वर्ड इतना पुराना है कि आज मैं आपको एक राज की बात खोलने जा रहा हूं। ये राज की बात आपको किसी ने नहीं बतानी, मैं आपको बता के चल रहा हूं। ऑडिटिंग वर्ड के पहले तो मीनिंग बताऊंगा थोड़ा सा इसका, फिर मैं आपको बताऊंगा कहां से चलता आ रहा है। ऑडिटिंग वर्ड आया लेटिन वर्ड ओडायर, ऑडिटिंग वर्ड कहां से आया लेटिन वर्ड ओडायर। ओडायर का मतलब क्या होता है, ओडायर का मतलब होता है टू हियर, और टू हियर का मतलब क्या होता है सुनवाई। द वर्ड ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड ओडायर। ऑडिटिंग वर्ड कहां से आया लेटिन वर्ड ओडायर, ओडायर का मतलब होता है टू हियर, टू हियर मतलब सुनवाई। बेटे आज मैं आपको एक राज की बात खोलने जा रहा हूं, ये राज की बात क्या है, आपको क्या लगता है ऑडिट कितना पुराना होगा। The word auditing has been came from the age of महाभारत। यह auditing word महाभारत के जमाने से चलता आ रहा है। महाभारत के टाइम पे युधिष्ठिर told to नकुल and सहदेव to maintain the accounts of कुरुक्षेत्र वॉर। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा था कि कुरुक्षेत्र वॉर के अकाउंट मेंटेन करो। उसके बाद इजिप्शियंस का जमाना आया, ग्रीक और रोमन्स का जमाना आया, वहां पे भी रिकॉर्डिंग के लिए अलग लोगों को रखा जाता था और स्क्रूटनी के लिए अलग लोगों को रखा जाता था, जांच के लिए अलग लोगों को रखा जाता था। फिर मौर्यों का जमाना आया, मौर्यों के जमाने में भी वेल डेवलप्ड अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। फिर सुल्तानों और मुगलों का जमाना आया, सुल्तानों और मुगलों के जमाने में भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के सिस्टम थे। तो ये जो ऑडिटिंग है आज की फील्ड नहीं है, ये महाभारत के जमाने से चलता आ रहा है। महाभारत के जमाने में युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव से कहा था टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर। उसके बाद फिर इजिप्शियंस का जमाना आया, मिस्र क्रांति हुई,
ग्रीक्स और रोमन्स का जमाना आया, वहां पर भी रिकॉर्डिंग के लिए अलग लोग थे, स्क्रूटनाइजिंग के लिए अलग लोग थे। मौर्यों का जमाना आया, सुल्तानों मुगलों का जमाना आया, उस समय भी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का सिस्टम था। 1494, थोड़ा मैं और आगे बढ़ गया हूं, 1494 में इटालियन मैथमेटिशियन ल्यूका पाइसियोली, जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की खोज की, 1494 में इटालियन मैथमेटिशियन ल्यूका पाइसियोली, जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की खोज की, उन्होंने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया। फिर 1800 के लगभग जब 1800 में आई, और उसके अंदर आपको पता है 1800 के अंदर क्या हुआ था, 1844 में पहला इंग्लिश कंपनी एक्ट आया, और 1850 में पहला इंडियन कंपनी एक्ट आया, और फिर कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ, बैंक्स बनने लगे, इंश्योरेंस कंपनी बनने लगी, गवर्नमेंट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ने लगे, तो नीड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट एराइज। बहुत पुराना ऑडिट है, बहुत पुराना, महाभारत, मौर्य, सुल्तान, मुगलों, इजिप्शियंस, रोमन, सब जगह से चलता हुआ ऑडिट आया है। 1844 के अंदर, 1844 के अंदर इंग्लिश कंपनी एक्ट आया था, और 1850 के अंदर पहला इंडियन कंपनी एक्ट आया था, और वो बढ़ते 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 1956 वाला तो बहुत बाद में आया भैया। तो नीड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट अराइज। अब ऑडिट के बारे में एक और हल्का सा डेफिनेशन आपके सामने आएगा, डिटेल डेफिनेशन अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो सुन लो। ऑडिटिंग वर्ड कहां से आया, लेटिन वर्ड ओडायर, ओडायर का मतलब टू हियर का मतलब सुनवाई। अब ऑडिट की हम बात करें तो आइए ऑडिट की पहली डेफिनेशन कौन दे रहे हैं, डिक्सी। ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, ये ऑथर का नाम लिख लीजिए, डिक्सी की डेफिनेशन है। अब डिक्सी क्या कहते हैं, ट्रेडिशनली ऑडिटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ट्रेडिशनली ऑडिटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज, ट्रेडिशनली ऑडिटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एन लिख लेना आगे, एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद ए व्यू टू एस्टैब्लिशिंग, अंडरटेकन विद ए व्यू टू एस्टैब्लिशिंग वेदर दे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शंस करेक्टली, वेदर दे कंप्लीटली reflects the transactions, whether they completely reflect the transactions correctly for the related purpose, for the related purpose। ये पुरानी definition है बेटे, लेकिन पुरानी definition से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। traditional मतलब प्राचीन definition है, conventional definition है, पुरानी definition है। ट्रेडिशनली ऑडिटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है बेटे, एग्जामिन करने का मतलब होता है जांच करना, हमें जांच करनी है। ट्रेडिशनली ऑडिटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमें जांच करनी है। किस चीज की जांच करनी है, लेखांकन बही खातों की जांच करनी है, हमें जर्नल की जांच करनी है, सब्सिडरी बुक्स की जांच करनी है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या आएंगे, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, कैश बुक, ये सब आ गए। तो हमें जांच करनी है, लेखांकन बही खातों की जांच करनी है, हमें जर्नल की जांच करनी है, सब्सिडरी बुक्स की जांच करनी है, लेजर की जांच करनी है। क्यों करनी है, क्यों करनी है, लेखांकन बही खातों की जांच करनी है, क्यों करनी है, विद ए व्यू टू एस्टैब्लिशिंग वेदर दे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शंस करेक्टली। तो देयर शुड बी कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंड देयर शुड बी करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। तो इसको कंबाइंड कर दिया, देयर शुड बी, हमें क्या चेक करना है, देयर शुड बी कंप्लीट एंड करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ, सही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट एंड करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन।
देयर शुड बी कंप्लीट एंड करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन. सारी ट्रांजेक्शन की कंप्लीट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, करेक्ट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. और उसके बाद कहते हैं किस लिए, फॉर द रिलेटेड पर्पज. और रिलेटेड पर्पज क्या है, रिलेटेड पर्पज है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. ऑडिटर को क्या देना है, ओपिनियन देना है किस चीज पे, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू. एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर को ओपिनियन देना है किस चीज पे, ओपिनियन देना है ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये डिक्सी की डेफिनेशन है. और डिक्सी क्या कहते हैं, ये कहते हैं ट्रेडिशनली, प्राचीन डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन है. ऑडिटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज, ऑडिटिंग को कैसे समझा जा सकता है, ऑडिटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करना है, एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद ए व्यू टू एस्टेब्लिशिंग. हमें जांच करनी है, किस चीज की जांच करनी है, लेखांकन बही खातों की जांच करनी है, जर्नल की जांच करनी है, सब्सिडरी बुक्स की जांच करनी है, लेजर की जांच करनी है. क्यों करनी है, अंडरटेकन विद ए व्यू टू एस्टेब्लिशिंग. क्या एस्टेब्लिश करने के लिए, वेदर दे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन, यानी कि देयर शुड बी कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंड देयर शुड बी करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन. क्यों, फॉर द रिलेटेड पर्पज. और रिलेटेड पर्पज क्या है, रिलेटेड पर्पज है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डन इट एवरीवन, क्लियर है बात सभी को. अब और आगे बढ़ते हुए, शुड आई रिपीट ऑफ, चलिए अब इसको मैं आगे हटाते हुए आखिरी डेफिनेशन और उसके बाद ये टॉपिक फिनिश, फिर तो खत्म, हमारी क्लास भी खत्म. बस आखिरी डेफिनेशन, आखिरी डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. आइए जरा लिखिए मेरे साथ ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट. अब ऑडिट की जो मेन डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसकी, ऑफ एन एंटिटी. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करनी है किसकी, ऑफ एन एंटिटी. कौन सी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, ये जरूर याद करनी है डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म. When such an examination is conducted, ये examination क्यों किया गया? When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, with a view to expressing an opinion thereon. और कोई definition याद हो ना हो, ये definition जरूर याद होनी चाहिए, ध्यान रखना. तो audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit-oriented or not, and irrespective of its size and legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. ध्यान से सुनिएगा. ऑडिट में क्या करना है, ऑडिट में क्या करना है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जरा फोकस कीजिएगा सर. इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बिजनेस. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम बिजनेस. फ्री फ्रॉम बिजनेस का मतलब क्या, पक्षपात से परे, पक्षपात से परे. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट के अंदर हमें क्या करना है, बोलो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बिजनेस. फ्री फ्रॉम बिजनेस का मतलब क्या, पक्षपात से परे. थोड़ा जूम आउट कीजिएगा. हां जी, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम बिजनेस, पक्षपात से परे. ऑडिट करते समय हमें अपना पराया नहीं देखना, ऑडिट करते समय हमें अपना पराया नहीं देखना, और जहां अपना पराया देखना पड़े वहां ऑडिट नहीं करना. आपको याद होना चाहिए कुरुक्षेत्रा वॉर में जब वॉर हुई थी पांडवों और कौरवों की, और जब अर्जुन ने देखा कि सामने मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे दादा है, तो उसने अपने हथियार डाल दिए. तब वहां पर भगवान कृष्ण ने कहा था कि यहां पे तेरे को निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा,
यहां पे तेरे को अपना पराया नहीं देखना, अगर अपनों को देख के तूने हथियार रख दिए तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, धर्म के लिए, न्याय के लिए आपको अपना पराया नहीं देखना, और जहां भी अपना पराया देखना पड़े वहां ऑडिट नहीं करना। डॉक्टर अस्ताना का एग्जाम्पल हम इसमें करते हैं। डॉक्टर अस्ताना मुन्ना भाई MBBS में कहते हैं, इन हाथ से मैंने हजारों ऑपरेशन किए रॉक स्टेयरिंग, लेकिन इन्हीं हाथों से मैं अपनी बेटी का इलाज करूं तो ये हाथ कांपेंगे। वो मेरी बेटी है, मेरा ब्लड है, मैं उसको कैसे चीरफाड़ कर सकता हूं। जहां बिजनेस आ गई वहां आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको अपने रिश्तेदार की कंपनी का ऑडिट करना हो, अपने सगे भाई की कंपनी का ऑडिट करना हो और उसके अंदर फ्रॉड पाया जाए, तो क्या आप अपने भाई की कंपनी बंद करा पाओगे? क्या आप उसको जेल के पीछे पहुंचा पाओगे? नहीं, क्योंकि जहां बिजनेस आ गई आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऑडिट में रहते हुए हमें कैसी जांच करनी है? निष्पक्ष जांच, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट के अंदर हमें क्या करनी है? निष्पक्ष जांच। क्या करनी है? निष्पक्ष जांच। किस चीज की निष्पक्ष जांच करनी है? ऑडिट के अंदर हमें क्या करना है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, निष्पक्ष जांच। किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, इसके अलावा जर्नल, लेजर, कैश बुक। क्योंकि मैंने यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यहां वर्ड इस्तेमाल किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय जानकारी। वित्तीय जानकारी केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, वहां सबसे भी वित्तीय जानकारियां मिलती है। तो हमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, निष्पक्ष जांच करनी है। किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। वो एंटिटी कौन सी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो। आइए, एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, तो एंटिटी की भी हम बात कर लेते हैं। तो एंटिटी बेटा दो तरह की होगी, एंटिटी दो तरह की हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। हां जी, दो तरह की एंटिटी का हमें ऑडिट करना चाहिए। एंटिटी दो तरह की हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है। एंटिटी दो तरह की हो सकती है, बोलो बोलो कौन सी? प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रॉफिट कमाने वाली में कौन सी आती है? इसमें आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, HUFs, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या इनको जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहते हैं, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। अगला, कंपनी, जॉइंट वेंचर्स और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेट्रा। हां जी, ये सब क्या है? ये प्रॉफिट कमाने वाली है। सोल प्रोप्राइटर किस लिए काम करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। पार्टनरशिप फर्म किस लिए बनाई जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। कंपनी किस लिए बनाई जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, ये सब किस लिए किए जाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। और नॉन प्रॉफिट में क्या आएगा? नॉन प्रॉफिट में क्या आएगा? या तो ट्रस्ट बना लो। अब ट्रस्ट के अंदर हम कई चीजों का ऑडिट सीखेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कई सारी ट्रस्ट में काम करते हैं। ऐसे ही कॉलेजेस भी आ जाते हैं इसके अंदर। सोसाइटी बना लो, सोसाइटी के अंदर क्या आ जाते हैं? स्कूल आ जाते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी बनती है सोसाइटीज, तो सोसाइटी आ गई। इसके अलावा कंपनी अंडर सेक्शन 8, कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में जो कंपनियां बनती हैं वो कौन से नेचर की होती हैं? एनपीओ नेचर की। तो या तो सोसाइटी बना लो, या ट्रस्ट बना लो, या एनपीओ नेचर की कंपनी बना लो। इसके अंदर बहुत सारी आएंगी। इसके अंदर क्राई, विद्या, यूनिसेफ, पतंजलि योगपीठ, बतेरी, स्काई इज द लिमिट, बहुत सारी हैं। कई एनजीओ इसके अंदर आ जाती हैं। ट्रस्ट आ जाएगी, सोसाइटी आ जाएगी, कंपनी अंडर सेक्शन 8 आ जाएगी। तो इनके भी ऑडिट होने चाहिए। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का चंदा आता है किनको? मंदिरों को, मस्जिदों को। तो इनके भी ऑडिट होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एंटिटी चाहे प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो, ऑडिट तो करवाना ही चाहिए। आइए वापस आते हैं। एंटिटी प्रॉफिट कमाती हो, थोड़ा ऊपर करके दिखाएं सर। हाँ, एंटिटी प्रॉफिट कमाती हो, बस, तो एंटिटी प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो, उसका ऑडिट करवाना चाहिए। फिर चाहे प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो, क्लियर है बात? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। हाँ, चाहे स्मॉल एंटिटी हो, चाहे मीडियम एंटिटी हो,
चाहे लार्ज एंटिटी हो इनके भी ऑडिट होने चाहिए, है ना, चाहे छोटा लाला हो, चाहे मीडियम लाला हो, चाहे मोटा लाला हो, सबके ऑडिट होने चाहिए। चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई मीडियम बिजनेसमैन हो, इनके ऑडिट होने चाहिए। किसमें कंपलसरी होना चाहिए, किसमें करवाना चाहिए और किसमें करवाना ही पड़ेगा, इसकी चर्चा मैं आने वाली क्लासेस में करूंगा। लेकिन चाहे स्मॉल एंटिटी हो, चाहे मीडियम एंटिटी हो, चाहे रिलायंस जैसी लार्ज एंटिटी हो, सबके ऑडिट होने चाहिए। होने तो चाहिए, किन के कंपलसरी होंगे और किन को करवाने पड़ेंगे और किन को करवाने चाहिए, करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते, इसके आधार पे दो तरह के ऑडिट में आपको बताऊंगा, वॉलंटरी ऑडिट और स्टैचुटरी ऑडिट, उनकी भी चर्चा करेंगे लेकिन टाइप ऑफ ऑडिट में जाके। फिलहाल मेरी चर्चा का विषय ये है, लीगल फॉर्म, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ और नॉट, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ और नॉट, चाहे वो लॉ में बनी हो या ना बनी हो। अब कंपनी है वो तो कंपनी एक्ट में बनी होती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन यहां पे हम बात करें, कई चीज कई ऐसी भी होती है जो लॉ में नहीं बनी, लॉ में रजिस्टर नहीं करवानी, प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, एचयूएफ हो गई, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी थोड़ी है। तो चाहे वो लॉ में बनी हो या लॉ में ना बनी हो, ऑडिट तो करवाना ही चाहिए, ऑडिट तो करवाना ही चाहिए। क्यों करवाना चाहिए, उसके एडवांटेज भी हम शेयर करेंगे आने वाली क्लासेस में। और ये क्यों करवाना है, विद ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन किस चीज पे देना है, ओपिनियन किस चीज पे देना है, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें बताने हैं कि उनके बैलेंस शीट पी एंड एल सही है या नहीं, उचित है या नहीं। अब ट्रू क्या होगा, फेयर क्या होगा, ये भी हम कवर करेंगे। किसमें कवर करेंगे, किसमें कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में कवर करेंगे, अभी फिलहाल रुकना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में बताऊंगा ट्रू क्या होता है, फेयर क्या होता है, डन इट एवरीवन। फिलहाल इस डेफिनेशन को हम पैकअप करते हुए एक बार मेरे साथ रिवाइज करते हुए, ऑडिट के अंदर हमें क्या करनी है, निष्पक्ष जांच करनी है। किस चीज की निष्पक्ष जांच, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंटिटी की, संस्था की। वो एंटिटी चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो, चाहे वो साइज में स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, चाहे वो लॉ में बनी हो या ना बनी हो, क्यों किया जाएगा ऑडिट, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसको पैकअप करते हुए, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size and legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. Done it everyone? तो बस आज हमने चार टॉपिक आपके साथ शेयर किए। हाँ जी, आज हमने चार टॉपिक आपके साथ शेयर किए। याद है आपको कौन कौन से चार टॉपिक शेयर किए? नंबर वन, सबसे पहले मैंने आपको जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया, जिसके अंदर बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट वगैरह आ गए। उसके बाद आई होप यू एंजॉय द सेशन, वाराणसी, निर्माण विहार, पालनपुर, जमशेदपुर, पटना, सभी सेंटर, आपने एंजॉय किया सेशन को, मुझे लगता है कि आपने खूब एंजॉय किया होगा। आज हमने पढ़ा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, ऑडिट की नीड क्या है, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट और अकाउंटिंग में अंतर क्या होता है। ये चारों टॉपिक आप याद करके आएंगे, तैयार करके आएंगे, क्योंकि याद नहीं तो पास नहीं, और पास नहीं तो सीए बनने की कोई आस नहीं। अगर सीए बनना है तो याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, पढ़ पढ़ के जीवन गया, रिजल्ट मिला ना कोई, जो कोर्स को तूने समझ लिया फिर फेल काहे को होए कबीरा, फेल काहे को होए। यानी कि अगर कोर्स को समझना है, याद करना है, लिख के देखना है। और याद रखिएगा, चार होमवर्क में क्वेश्चन है आपके। नंबर वन, पहला क्वेश्चन है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपको याद करके आना है। फिर ऑडिट, उसके बाद ऑडिट और अकाउंटिंग का डिफरेंस, और क्या, नीड ऑफ ऑडिट। ये चारों टॉपिक आप तैयार करके लाइएगा और खूब एंजॉय करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे आने वाले टाइम में। एंड आई होप यू एंजॉय द सेशन। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।